ये बंबई शहर है, यहाँ लोग पूरे देश से अपनी किस्मत आजमाने आते हैं। इस शहर के लिए एक कहावत मशहूर है कि यहाँ आने वालों की किस्मत या तो पत्तों के नीचे होती है या फिर पत्थरों के नीचे। हवा का हल्का सा झोंका आता है, पत्ता हटता है, किस्मत चमक जाती है। और जिनकी किस्मत पत्थरों के नीचे दबी होती है, उनके अरमान, उनके जज्बात, उनकी जिंदगी सब के सब पत्थरों के नीचे दबे के दबे रह जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पर लगी हुई लोगों की भीड़, अब देखना यह है कि किसकी किस्मत पत्ते के नीचे है और किसकी पत्थर के नीचे। हाँ, बहुत दिन हो गया लाइन में खड़े खड़े, देखते हैं आगे क्या होता है। अरे अरे संजू, तू ओवर जैक, तू यहाँ क्या कर रहा है यार? यहाँ क्या कर रहा है? अरे दूर के मामा ने बुलाया, अपुन आया, खुद मामा बन गया, दीवानों के शहर में दीवाना बन गया। Damn good to see you, कॉलेज के दिन मजे के दिन। हाँ यार, मुझे तो भी कोई कम मजे का दिन थोड़ी ना है, तू मिला ना। अरे तू बॉम्बे में क्या कर रहा है? देख यार, बंबई में आदमी आकर या तो हीरो बनता है या तो जीरो बनता है, दोनों में से। तो तू तो हीरो बनने आया ना? और नहीं तो क्या भाई, फिल्म का नाम झक मार, प्रोड्यूसर बेकार कपूर, डायरेक्टर बाजूहट। और तू क्या कर रहा है? तू यार, अभी लाइन बहुत लंबा है यार। लाइन लंबी है? अरे भैया, ये बंबई जो है लाइनों का शहर है। यहाँ पैदा होने के लिए माँ को लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, पैदा होने के बाद भर्ती करने के लिए लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, स्कूल में भर्ती करने के लिए लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, राशन की लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, कॉलेज की लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, संडास की लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, ऑफिस की भर्ती, जहाँ देखो लाइन पर लाइन पर लाइन, वोटिंग की लाइन, मरता भी है ना इंसान अंत में तो वो भी लाइन में उसको जाना पड़ता है, ऐसी जगह नहीं मिलती कहीं भी, शमशान हो या कब्रिस्तान। भैया बात करने में कोई नहीं जीत सकता, इसीलिए मैं वही बोल रहा हूँ, क्या हम भी खड़े रहकर जरा लाइन मारते, लाइन मारते, जरा लाइन मारते हैं, मारते। इसमें पूरे 2 करोड़ के हीरे हैं। और ये लो। ये क्या? इस कैसेट में साल भर का प्रोग्राम है कि तुम्हें इस साल क्या क्या करना है, किसको लूटना है, किस बैंक में डकैती डालना है, किस किस को मारना है और किसको छोड़ना है और कहां कहां बम ब्लास्ट करना है। ये कैसेट साल भर का कैलेंडर है। ये कैसेट हिफाजत से XX तक पहुंच जाना चाहिए। ये XX कौन है? मैं उसे नहीं जानता। XX तुमको फोन कर लेगा। हैंड्स अप, गिरफ्तार करो सबको, पकड़ो, जाने ना पाए कोई। फॉलो मी। चौड़ा चौड़ा, अरे चुप कर यार। अरे यार प्यावर लाल रंगोली। अरे संजू, ये लाल रंग का तूने पीछा नहीं छोड़ा ना? शर्ट भी लाल, बैग भी लाल, बाहर भी लाल, अंदर भी लाल, लालम लाल, मुझे लाल जरा, गिव मी रेड। यार बॉम्ब तो भर लिया लेकिन एड्रेस नहीं। क्यों, बॉम्बे में कहाँ रहता तू? फुटपाथ पे। क्या लिखो, कह रहा हूँ फुटपाथ। नहीं यार, आप उनका एड्रेस दे देना, क्या फिर अमानी 7 रास्ता छोटी पोस्ट ऑफिस के सामने, आप उनका ये ठिकाना है। अरे हिंदी तो हम भी समझ रहे हैं लेकिन आप 5 बजे ऑफिस बंद बोल दिया। अरे कल कहाँ से आऊंगा मैं? अरे सुना ही नहीं पड़ता है, हिंदी समझ रहा हूँ लेकिन धूप में खड़े क्या बात कर रहा हूँ, समझते नहीं हो। प्लीज कर दीजिए ना, देखिए इतनी देर से लाइन में खड़ा है, प्लीज प्लीज आप मानिए ना प्लीज। अच्छा लाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
नौकरी की तलाश। शट अप, हम लोगों को तुम पर शक है। अरे शक है तो आप तलाशी ले लीजिए। चेक हिम। ओके सर। पटुआ है ये। अरे जल्दी कीजिए जो करना है आपने। खामोश पड़े रहो, पुलिस का अपना तरीका है। अरे साहब आप कोई भी तरीका आजमाइए मगर जल्दी कीजिए। इसमें जल्दी क्या है? अरे अब जल्दी है और जल्दी नहीं होगी तो सब लूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, वो चला जाएगा। कौन चला जाएगा? अरे कोई भी चला जाएगा, आपको इससे क्या मतलब हो सकता है? आपको मेरी तलाशी लेनी है तो मेरे कपड़े उतरवाइए आप। कपड़े उतरवाने ही पड़ेंगे तो प्लीज जल्दी उतरवाइए। चलो जाओ। थैंक यू। यार संजू तू जा भी होता है कोई ना कोई लफड़ा हो ही जाता है यार। मेरे किस्मत ही ऐसी। अच्छा अपन चलता है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है यार। अरे मिलेगा कहाँ? मैंने बताया ना कैफे रहमानी। ओके बाय। अरे वो कैफे रहमानी का एड्रेस क्या है? हाँ। अरे रिक्शा। हाँ भाई चलो। अबे बैग दे बैग। अबे अबे बैग दे। अबे बाप का क्या? जो साला। ब्लडी शिट। हेलो निक, हमारे वो 2 करोड़ के हीरे और वो टेप हमारे हाथ से निकल गई। Oh no. हम सब बर्बाद हो जाएंगे। We all will be finished. तुम घबराओ मत, अब बर्बाद हम नहीं होंगे, कोई और होगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो हीरे और टेप कहाँ है। सुला दो 18 19 रुपया 18 और कुछ लाओ साहब। मूछे हो तो नथु लाल जी। नथु लाल जी मूछों को छोड़ो और ग्राहक को पकड़ो। चोबे तू मेरे मूछों से जलता है? नहीं नहीं वो तो अबे भूतनी के चकल के कंजर अक्कल के खच्चर, जिस अमिताभ बच्चन ने मेरी मूछों की तारीफ की के मूछे हो तो नथू लाल जैसी, उन मूछों का तू मजाक उड़ाता है? हैं बेटा नथू लाल जी आप मेरी बात तो सुनिए। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मेरे पहले पैसे रख दे। नथू लाल जी आज तो चाकू चल जाते आपकी मूछों के बालों के लिए। एक आदमी ने आपकी मूछों के बालों की ऐसी तारीफ की, ऐसी मिसालें दी कि मैं क्या बताऊं। साले को तमीज ही नहीं आपके बालों की और अब आपके मूछों के बालों की। वो तो अच्छा हुआ वक्त पे पुलिस आ गई, वरना आज वो ना होता या मैं ना होता। क्या छोड़िए इन बातों को, आपको क्या लेना देना। अच्छा कितने पैसे निकलते बताइए आप। अरे मैं तेरे से पैसे लूंगा। हाँ बोलिए कितने पैसे। नहीं 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 पैसे नहीं, क्या मेरे नाम से ठंडा पी ले। कहो जहाँ कोई लाल शर्ट वाला आया था। लाल शर्ट वाले? अरे लाल शर्ट वाले मुंगरे वाले फूल वाले काजल वाले कचरे वाले ये तो आते जाते रहते हैं। मुझे एक लाल शर्ट वाले की तलाश है। तुम्हें जिसकी भी तलाश है, लाल शर्ट वाले बंदी वाले धोती वाले पैरन वाले कुर्ते वाले वो सब अंदर है। मिट जाए हूँ बोलो सुबह शाम। वो लाल कपड़ा वाला मिला? अरे उधर तो सब साला भूखा नंगा गंजेड़ी भगड़ी लोग हैं। लगता है तेरा अखा गांव यहीं आ गया। तेरा नहीं तेरा अखा गांव यहाँ आ गया है। अबे साले किसी के तन पे कपड़ा तक नहीं है। अबे हिंदुस्तान में यही तो 3 प्रॉब्लम है, रोटी कपड़ा और मकान। कपड़े का लफड़ा तो तुमने देख ही लिया, तो रोटी की लाइन बाहर लगी हुई है और मकान का प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। लेकिन वो लाल शर्ट वाला किधर है? वाह जनाब वाह, वो लाल शर्ट वाले की पिन तुम्हारे दिमाग में अटकी हुई है। अरे वो लाल शर्ट वाले का क्या मैंने ठेका लिया क्या? खैर वो साला बच के जाएगा कहाँ? मैं रात भर उसका इंतजार करूंगा। रात भर उसका इंतजार करूंगा। सुनिए सुनाइए जैक कहाँ है? जैक किसका, मारुति का या मर्सिडीज का? वो जैक नहीं, जैक जो यहाँ रहता है, जैक डिकोस्टा। जैक डिकोस्टा? जी। अरे वो जैक डिकोस्टा नहीं है, वो रोमियो है। रोमियो? हाँ एक रोमियो था ना, वो मर गया तो अपनी औलाद छोड़कर चला गया।
जहाँ जूलियट उसको मिल जाती है ना तो उसको लग जाता है ब्रेक। भाई साहब इस वक्त कहाँ मिलेगा? इस वक्त तो ऐसी जगह गया है जहाँ से कोई लौटकर वापस नहीं आता, मगर रोज जाता है आता है जाता है आता है जाता है। भाई साहब वो जाता कहाँ है? वो जाता कहाँ है? जाता है अपनी स्वीट हार्ट के पास। स्वीट हार्ट के आने के लिए एक दो लेट आती हो, उसके ऊपर ऐसी जगह बुलाती हो, ये कोई लव करने का जगह है क्या? अरे मारिया, आजकल सारा का सारा लव स्पॉट हाउसफुल जाता है। देखो पार्क में जाओ, बीच में जाओ तो पब्लिक परेशान करता है, अरे थिएटर में जाओ तो पब्लिक पर्दे को नहीं लवर को देखता है। सब जगह हाउसफुल है लेकिन यहाँ पूरा का पूरा मैदान खाली है। देखा, हम तुम यहाँ पर लव करेगा ना तो जो मुर्दा लोग हैं जिनको जिंदगी में लव नहीं मिला वो हमें देखकर हमें दुआएं देगा, और जो लोग था जो प्यार करता था वो हमारा प्यार देखकर उनका पुराना वो दिन याद करेगा। यू आर राइट माई किड्स। कौन है आप? वी आर मिस्टर एंड मिसेस लोबो। मेरे बच्चों, हम लोग भी रोमांस करते थे लेकिन हमको रोमांस करने का जगह नहीं मिलती थी, इसीलिए बरसों से हम इसी जगह पे आते। आप लोग कितने रोमांटिक हैं और कितने फैंटास्टिक हैं। अगर आपको ऑब्जेक्शन ना हो तो क्या हम दोनों आपकी जगह कुछ देर के लिए यूज कर सकते हैं? आज के बाद ये जगह तुम्हारा है, दिस इज योर परमानेंट प्लेस, अब तुम यहाँ रोज आ सकते हो। यस, गॉड ब्लेस यू माय सन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। एक्सक्यूज मी वन मिनट। अरे मारिया, 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 देखो मुझे लगता है ये दोनों भूत है। क्या बात कर रही हो मारिया, अभी तो इन्होंने हमें ब्लेसिंग दिया, और अगर ये भूत है तो बहुत ही रोमांटिक भूत है। जैक, अच्छा आई नो, ये करते हैं हम इनका एक फोटो लेते हैं, हाँ? अगर तस्वीर आएगा तो ये भूत नहीं है, और अगर तस्वीर नहीं आएगा तो जो तुम बोल रहे हो वो सच है। सुना मिस्टर, मैंने तुमसे कहा था ना कि ये दोनों भूत हैं, अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। ये बात है, ठीक है मत आना, अपुन भी कभी नहीं आएगा। बड़ी मुश्किल से तो एक प्यार करने का जगह मिला था, आज से तुम्हारा हमारा रिलेशन कट। आज के बाद तुम कभी हमसे बात तक मत करना, ना हम तुम्हारा नाम लेगा ना तुम हमारा नाम लेना। ओह, जैक, 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 जैक। Thank you.
तूने इशारा, जब भी सनम तूने मुझको पुकारा, हम तो सनम आ गए, हम तो सनम आ गए। दीवानी मैं तो हो गई, हाय क्या कमाल हो गया, उल्फत में होश खो गए, मेरा ये हाल हो गया तेरे लिए, हाँ तेरे लिए। हुस्न के चंचल शोक नजारे, तेरे गुलाबी गालियां प्यारे, कह दो सनम मेरे हुए, कह दो सनम मेरे हुए। मेरी नजर के चांद सितारे, गालों पे खिलते गुलाब ये सारे, तेरी कसम तेरे हुए, तेरी कसम तेरे हुए। जब से दीदार हो गया, तेरा इकरार हो गया, फसलें बहार आ गई, मौसम गुलजार हो गया, तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए। जाने क्या बात हो गई, मेरा क्यों नाम ले लिया, तूने दिल तूने कर दिया, मैंने इल्जाम ले लिया, तेरे लिए हाँ तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए। अरे फिर तो आ गया। अबे मुच्छर, सीधी तरह से बता दे वो लाल शर्ट वाला किधर है। अबे नथुला की दादागिरी, बोल कहाँ छुपा रखा है तूने उसे। अरे भाई साहब, अपने बाप समान आदमी से ऐसे झगड़ा करते हैं आप, मतलब समझा कीजिए, बुजुर्ग आदमी। अबे तू बीच में मत बोल, मामला लाल शर्ट वाले का है। लाल शर्ट भाई साहब, अगर लाल शर्ट की बात है तो गली के नुक्कड़ पे चले जाइए, वहाँ 10-12 लाल शर्ट वाले आपको वैसे ही मिल जाएंगे। और अगर होलसेल में चाहिए तो बॉम्बे सेंट्रल रेलवे स्टेशन चले जाइए, वहाँ किलो के हिसाब से आपको लाल शर्ट वाले खोली यू मिल जाएंगे। अबे तू बीच में मत पड़, मैं इसकी खाल उधर डालूंगा। कसाई की औलाद, तू मेरी खाल उतारेगा? तूने मुझे बकरा समझ रखा है? अरे हट भाई साहब, देखिए झगड़ा करके मतलब क्या, उनको मारोगे खुद मरोगे, फांसी पे चढ़ोगे, लटकने का शौक है तुमको, फकीर नो प्रॉब्लम। मैं फांसी पे चढ़ूं या जो भी हो, मगर मैं उस लाल शर्ट वाले को ढूंढ कर ही रहूंगा। अरे यार हद हो गई, जब से लाल शर्ट के पीछे पड़ा है, शराफत बात समझ में आती है नहीं। अरे चुप, क्या चुप, क्या करेगा लाल शर्ट वाले का, मेडल मिल जाएंगे, तमगे मिल जाएंगे तुझे। अरे मेडल क्या, अरे मेडल क्या, अरे गोली मार देगा, लाल शर्ट लाल शर्ट लाल शर्ट, अबे हद होती है, लाल शर्ट के पीछे पड़ा है। अबे भूसाट, लाल शर्ट तो मैंने पहन रखी है। कोई अपनी जगह से नहीं लगा। अरे इंस्पेक्टर साहब, देखो खाली पकड़ गला पकड़ रहा है। अरे अरे मैं पूछता हूँ कि हुआ क्या है मेरे होटल के अंदर। खबर मिली है कि यहाँ पर चरस गांजे का धंधा हो रहा है। अब उधर ले चलो। अरे क्या बात कर रहे हो यार, चरस गांजे का धंधा हो रहा है। साहब मैं चलो, साहब मैं बेवकूफ हूँ, साहब कभी जेल नहीं गया। चलो अंदर चलो, चलो बंद कर दो। पुलिस को बोल दूंगा, पिटवा दूंगा। अबे दे दे, भूख लगी।
ले भैया चने खा ले। लोहे के नहीं है ये। अबे एक तो खा। अजीब आदमी यार। ठीक है ले 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 गुड़ खा ले। वेरी गुड गुड। ये क्या? गुड द बैड एंड द अग्ली। अरे खाने की। अरे माँ का दिया गुड़ है। हवादार लाल शर्ट वाले को छोड़ दो। जी साहब। थैंक यू साहब। थैंक यू वेरी मच। अरे इंस्पेक्टर साहब आप इसे छोड़ रहे हैं? हाँ क्योंकि बेकसूर है। आपको कैसे मालूम है कि ये बेकसूर है? 20 साल से पुलिस की नौकरी कर रहा हूँ। कौन बेकसूर है और कौन कसूरवार है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम जा सकते हो। थैंक यू। क्या? अरे अरे छोड़ रे छोड़। पता नहीं कब से मेरे बैग के पीछे पड़ा है। पता नहीं क्या चाहता है। कुछ नहीं है इसमें साहब। कपड़े हैं, जूते हैं, सर्टिफिकेट है, माँ के दिए गुड़ और चने हैं। पता नहीं पिछले जन्म का कुछ प्रॉब्लम है इसको दिमागी। सर भूखा लगता है। तू एक काम कर मेरे भाई, तू ये रख ले और तू काम कर ये जो है और ये भी खा ले। गुड माँ का दिया हुआ। चलो गुड बाय। डोंट वरी एंड डॉटी शिट। इंस्पेक्टर मुझे छोड़ दो, तुम्हें फायदा ही फायदा होगा। कैसा फायदा? ये राज की बात है, बाद में बताऊंगा। तुमने तो उस बैग में सिर्फ ऊपर ऊपर के चने और गुड़ी देखा है, असली माल तो अंदर है। यानी फायदा होगा? 100%। साहब की ड्यूटी चेंज होते ही मैं तुम्हें यहां से छोड़ दूंगा। ओके ओके। तेरे लिए तेरे लिए। कहाँ गए? मिली जूलियट? जूलियट? हाँ कहाँ गए थे इतनी रात? देखो मुझे अच्छा नहीं लगता ये आवारा करती, समझे? मैं बोल देता हूँ। मैं तो यही था। हाँ? यही था मैं। ये, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? और ये लफड़ा लफड़ा क्या लफड़ा? देख क्या था। अरे अरे सुनो यार। ये जैकेट वाला साई की तरह तेरे पीछे पड़ा हुआ है और लफड़ा इस बैग का है। इस बैग में जरूर कोई खास चीज है। अरे काहे की खास चीज है यार? है माँ के दिए हुए गांव के गुड़ और चने हैं, अपने दो जोड़ी कपड़े हैं और सर्टिफिकेट है। क्या खास चीज है? ला दिखा रहा। अरे क्या पता करते हैं क्या है इसमें। ऐसे थोड़े ना पीछे पड़ेगा। अरे बोला ना यार, और क्या बोलूं तुझको। कपड़े हैं, चने हैं, गुड़ और क्या है। एक मिनट यार दिखते ना। लगता है ये जैकेट वाला पिछले जन्म में जरूर कोई ऊंची नस्ल का घोड़ा रहा होगा। क्यों? तभी तो चने के पीछे पड़ा हुआ है। यार तूने जेल में उसे घोड़ा चने क्यों खिलाए? लग गया ना पीछे, अब तो सारे के सारे चने खा के रहेगा, पीछा नहीं छोड़ेगा। तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर वही सड़ा का सड़ा, कुछ इंप्रूव नहीं। अरे ओ तो मामला गुड़ और चने का नहीं, लड़की का है। लड़की? यार इस लड़की के चक्कर में तो जान जाएगी। ये है कौन यार? ए बताना बताना कौन है ये? ये क्या दिखती है यार? एकदम नगीना है नगीना।
तू अपनी नियत खराब मत करना वरना मेरी इज्जत खतरे में पड़ जाएगी, समझे? तेरी इज्जत? ये लड़की मैं हूं। तू? मैं कॉलेज में प्ले किया था, हीरोइन गुल हो गई, लास्ट मिनट मुझे हीरोइन बनके लड़की बनके पार्ट लेना पड़ा, और ऐसी वैसी लड़की बना था सारे कॉलेज के छिछोरे मेरे पीछे पड़ गए थे, और यहाँ ये छिछोरा मेरे पीछे पड़ गया यार। हाँ यार, ए तू लड़की तो कमाल का दिखता है यार, इसलिए तो जैकेट वाला तेरे पीछे पड़ा हुआ है। ए संभालना, हाँ बता रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, मामला बहुत डेंजर है। डेंजर? इससे और ज्यादा डेंजर एक और मामला है। कौन सा? नौकरी का, रोजी रोटी का। बंबई किस लिए आए हैं? अरे काय को फिक्र करता है यार संजू, देख हम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में फॉर्म भर के आए ना, अरे अब देखना नौकरी खुद चलकर हमारे पास आएगी। हाँ हाँ हाँ, चलकर आएगी, बाकायदा जॉगिंग कर कर आएगी। अरे किस दुनिया में हो भैया, कोई भरोसा नहीं, नौकरी घर तक आएगी या आधे रास्ते से वापस लौट जाएगी। देख अगर नौकरी हमारे किस्मत के दरवाजे पर नहीं आएगी ना, तो हमें अपनी किस्मत का दरवाजा नौकरी तक ले जाना होगा, जूते घिसने होंगे, समझे ना? अरे निकलो इधर से, तुम जो भी छुप जाता है बड़ी कंडम बेकार थर्ड क्लास, आउट आउट। साहब एक मौका दे दीजिए ना। अरे काय का मौका साईं, तुमको मौका देगा बड़ी दुकान को ताला लग जाएगा। नहीं अरे चुप मर, गेट आउट, गो करिया। चल बेटा यहां भी किस्मत आजमा के देख ले। सुनिए, सुनाइए, देखिए। अरे तो दिखाइए, पर कोई ऐसी ढंग की चीज दिखाइए साईं कि जिसको देखकर बड़ी विश्वामित्र भी हिल जाए। ये क्या कह रहे हैं आप, मैं तो यहाँ नौकरी के लिए आया हूँ। तो बड़ी मैं भी नौकरी की बात कर रहा हूँ। नहीं साईं, नौकरी के साथ एक फर्स्ट क्लास छोकरी का होना बहुत जरूरी है। तुम कोई अच्छी छोकरी ला सकते हो तो बोलो, नहीं तो बड़ी चलो। ओह तो आपको मेनका चाहिए? मेनका क्या, मैं तो उर्वशी ला सकता हूँ, अमर पाली ला सकता हूँ, कहे तो आपकी साली। अरे वही बट जल्दी लाओ। एक क्या बकता है, मेरा मतलब है आकाश में जितनी अप्सरा है सारी ला सकता हूँ, मगर एक शर्त है सर, नौकरी। पुलिस को बोलते हैं डीलिंग, वेरी गुड, नौकरी पक्की यार। कहते डीलिंग, दिस इज डीलिंग, बोल। सर ये तो आधी डीलिंग है सर। मतलब सर देखिए, आपको चाहिए मेनका, चाहिए उर्वशी, बड़ी चाहिए अमर पाली, चाहिए चाहिए बड़ी। तो तुमको क्या चाहिए यार? सर वो थोड़ा सा एडवांस पैसा, बड़ी पैसा भी मिलेगा यार, तुम पता लिखो पैसा उठाओ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सुट्टी छोकरी चाहिए, सुट्टी दाढ़ी, सुट्टी छोकरी, सुट्टी साई, खूबसूरत खूबसूरत। हाँ सर, वेरी ब्यूटीफुल यार, चलो पता लिखाओ। हाँ सर, आप वंडरफुल, क्या नौकरी मिली है यार? छोड़ना, क्या नौकरी, नौकरी मिली तो एक और टेंशन। अरे बाबा नौकरी के साथ छोकरी का होना बहुत जरूरी है, छोकरी लाए, छोकरी। अरे तो तू अपने टैलेंट का फायदा क्यों नहीं उठाता यार? कौन सा टैलेंट? तेरे बैग में वही लड़की, तू रोज रोज राणा के सामने एक नया मॉडल बनके पेश हो जाए। क्या कुछ हो रहा नहीं? देख जब इस शहर में फंसी गए तो मुझे यहाँ से और बहुत कुछ फायदे उठाने चाहिए, मगर मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तू एक काम कर, अभी सो जा। सोचते देखो जैक, तुमको अब ये जगह छोड़ना पड़ेगा, मेरा बॉस आ रहा है, उसको मालूम पड़ गया है कि यहाँ पर पुलिस का रेट पड़ गया है, यहाँ आने वाला ड्रग्स का धंधा करता है, इसलिए अब कोई भी आता है हम उसे न्याय नहीं रखता, क्योंकि तुम हमारा खास आदमी है, इसलिए हम तुमको 7 दिन का मोहलत देता है। अरे पर हम कहाँ जाएंगे ना तू अंकल? फुटपाथ पे। फुटपाथ पे तो बच्चू आधा बम्बई सोता है, तुम जाएगा तो क्या फर्क पड़ने वाला है? लेकिन तुम तो हमारा अंकल है। हाँ, हम तुम्हारा है, तुम किसी और का है, वो किसी और का है, जब गले पर छुरी फिरती है ना तो कोई किसी का नहीं होता। आप तो बड़े बेमुरव्वत निकले। अरे मुरव्वत का स्टॉक तो मार्केट में खत्म हो गया है,
ये समझ लो कि मुझमें थोड़ी सी इंसानियत और मुरव्वत बाकी है, इसलिए तुमको 7 दिन का टाइम दिया है। अगर 7 दिन के अंदर तुमने बंदोबस्त नहीं किया तो धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा, समझे? ठीक है, कर लेंगे बंदोबस्त। काहे को टेंशन लेता है, 7 दिन है ना। हाँ अरे जैक, हाँ यार तू है किधर, आजकल दिखाई नहीं देता है। अरे क्या बताऊँ यार, गोवा से आया, तब भी सड़क पे था, अब भी सड़क पे हूँ। अरे यार स्टेट एजेंट हीरालाल जैसे दोस्त के होते हुए और अपना दोस्त सड़क पे, चल तेरे लिए घर का बंदोबस्त करता हूँ, खाएगा? ए, नहीं यार, पर आप उनके पास मनी नहीं है यार, एकदम कड़की है, सॉलिड कड़की है भाई। अरे भैया जब बम्बई में मनी नहीं चलता ना तो दोस्ती चलती है, और पीके साहब का बंगला जिंदाबाद, चल तेरे लिए घर का बंदोबस्त करता हूँ। अच्छा, ओहो हीरालाल जी, हीरालाल जी कैसे भाई, कैसे हो, कैसा ना हुआ? बस घर का प्रॉब्लम खींच लाया। अच्छा अच्छा, देखो वैसे एक कमरा खाली तो है लेकिन इजाजत बेगम साहिबा से लेनी पड़ेगी। सर आपके ऊपर आपकी वाइफ का ऑर्डर चलता है क्या? देखो दोस्त, जिस तरह गद्दी पर शहजादा सलीम बैठते थे लेकिन हुक्म जहां का चलता था, उसी तरह समझ लो कि इस घर में मैं हूं लेकिन वजह फरमाया। मेजर साहब एक शेर सुनिए। इरशाद, इरशाद, बच्चा हो या के बूढ़ा सबका करार तू है। ओहो, ओहो, मेजर साहब हमारा करार भी आप हैं। डैडी डैडी डैडी, बच्चा हो या के बूढ़ा सबका करार तू है, जिसको खजाना आए ऐसी बहार तू है। वाह 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 वाह। कौन है ये लोग? ये अपने डार्लिंग हीरालाल जी हैं, कमरे के सिलसिले में आए। किस कमरे के सिलसिले में? किराए के लिए। ओह किराए के लिए, कमरा तो खाली है क्यों मेजर साहब? किराए पे आपको मिल जाएगा। हाँ लेकिन हमारी एक शर्त है। अरे एक क्यों, मैं तो 1000 शर्तें मानने को तैयार हूँ। हम कमरा किराए पर सिर्फ उसे देंगे जो शादीशुदा होगा। इसकी शादी होने वाली है। होने वाली हो गई समझो, इसीलिए तो किराए पर कमरा ले रहा है। है? तो ठीक है, कमरा आपको मिल गया। थैंक यू। अरे थैंक यू मेजर साहब, एक शेर और सुनिए। बहुत बहुत शुक्रिया तेरा यार। अरे जो वक्त पर काम ना आए वो दोस्त किस काम का यार। दोस्त हो तो तेरे जैसा। अरे मैं बताना भूल गया, आज शाम को मेरी मारिया का शो है, तू जरूर आना। 2-4 जरूरतमंद लोगों के घर का इंतजाम करके तेरे पास पहुंच जाता हूँ। ओके थैंक्स यार। जैक, शादी कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है, जो तुम आज बोलेगा और हम तुम्हारे हाथ पकड़ के शादी बनाएगा। शादी के वास्ते आदमी को अपना पैर पे खड़ा होना मांगता है। अरे तो हम किस पे खड़ा है, अपने हाथ पे खड़ा है क्या या अपने नाक पे खड़ा है? अरे ये नहीं है जैक, अगर हमारे भाई को पता चला कि तुम्हारे पास इनकम नहीं है, पोजीशन नहीं है, घर नहीं है, वो हमारा तुम्हारा शादी कभी नहीं होने देगा। अरे मारिया, अगर तुम हमारे साथ शादी बनाएगा ना तो मिसेस पीके के घर में रहने को भी मिलेगा। हाँ? क्योंकि वो लोग बगैर शादीशुदा कुंवारों को रहने को नहीं देता है। वाह वाह वाह, कैसा दूल्हा है, मिस्टर पीके का घर में घुसने का वास्ते तुम हमारा सिस्टर मारिया से शादी बनाना मांगता है? क्यों नहीं, एनी ऑब्जेक्शन? यस। अरे दूसरा लोग पहले घर बनाता है फिर शादी बनाता है, तुम घर का वास्ते शादी बनाता है, कैसा मर्द है? जैसा मर्द होता है वैसा मर्द है, तुम कैसा मर्द है? Shut up and get out. Happy birthday to you, happy birthday to you. लाड़ा साहब की तरफ से जन्मदिन मुबारक हो, happy birthday to you, happy. अबे तू, अबे तू, कके 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 का। लाड़ा साहब, बनी? अरे अरे काय को, अरे काय को चिल्लाता है यार, मेरे कान का पर्दा बड़ी फाड़ दिया। आपके कान का पर्दा क्या, मैं तो ऊपर से नीचे तक फट गया हूँ राणा साहब। किधर से फटा भाई, दिखता तो नहीं है। आपको मजाक सूझ रहा है, वो इतना खतरनाक गुंडा कब से शैतान की तरह मेरे पीछे पड़ा हुआ है सर, मैं तो। अरे कौन सा गुंडा, गुंडे राज का मैं महाराज हूँ, गुरुओं का बड़ी महागुरु हूँ। तो गुरु जी थोड़ी गुंडागर्दी की भिक्षा हमारी झोली में भी टपका दीजिए, बुरे वक्त में काम आएगी। ले टपका, बड़ी बोल तो सही साईं, तेरे पीछे ये गुंडा पड़ा गए के लिए यार। यही तो प्रॉब्लम है, मुझे भी नहीं पता मेरे पीछे क्यों पड़ा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। चल तेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ यार, चल। थैंक यू।
बैग मिला? नहीं। बैग मिला? नहीं। ये तो मारता है। मारता है, सही मारता है। बहुत बड़ा दादा है, महादादा है, तेरी मदद करेगा। मदद करेगा? करेगा। मतलब ये बड़े होंडे बाबा छोटे होंडे से बचाएंगे? बचाएगा, बचाएगा। बड़े होंडे बाबा, मुझे एक छोटे होंडे बेबी ने बहुत सता रखा है। वो कमीना, वो कुत्ता, वो हरामी, छिछोरा, कुत्ते का पिल्ला, शकल का पीला, दिल का नीला, कैरेक्टर का ढीला। तुम आप माई बाप। अबे चूहे अब आया ना शेर के पंजे में। अबे चूहे अब आया ना शेर के पंजे में। अब बच के कहाँ जाएगा तू? अब बच के कहाँ जाएगा तू? अबे तू मेरी नकल कर रहा है? अबे तू मेरी नकल कर रहा है? अब मैं तुझे जान से मार डालूंगा। अबे मैं तुझे जान से मार डालूंगा। अबे तूने मुझे छुआ? अबे तूने मुझे छुआ? अबे पकड़ लो साले को। अबे पकड़ लो साले को। राणा ये साला वही है जिसके बैग मैंने करोड़ों के हीरे और कैसेट डाली थी। अरे देखता क्या है, इसको होश में लाओ। मैं कहाँ हूँ? और भाई ये साला नाटक कर रहा है। हाँ, नाटक कर रहा है। अरे अरे पकड़ो। अबे अबे पकड़ो 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 पकड़ो। तो शैतान की तरह मेरे पीछे पड़ गए हैं। इसे दुश्मनी नहीं दोस्ती का नाटक करना होगा। हाय, थक गया यार। भी बैग लाओ। भी थक गया मैं। एक काम करो, पीछा छोड़ो यार। हाँ लाल बैग। वो बैग तो दे दो। लाल बैग। हाँ भाई लाओ बैग। वो तो मैं नहीं दूंगा। तो आप हम भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो फिर तो मैं भागूंगा। तो भागेगा। आप उन भी भागेगा। अरे सॉरी तुम हीराला जी हो गया। घड़ियां खत्म हुई, अब आपके सामने आ रही है मिस मारिया। एक मिनट, तो अब आपके सामने आ रही है मिस एक्सक्यूज मी। अरे यार अनाउंसमेंट कर रहा हूं, एक मिनट। अब आपके सामने आ रही है एक्सक्यूज मी। इन्हें स्क्वीज की बड़ी जल्दी है, पहले इनको स्क्वीज करके आता हूं। अरे अरे वी वांट मारिया, 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 वी वांट मारिया। जेंटलमैन, मुझे बड़े दुख और शोक के साथ कहना पड़ रहा है कि अचानक तबीयत खराब हो जाने की वजह से मिस मारिया। तबीयत खराब है तो पैसे वापस। मैं पैसे वापस? कोई बात है वाला? सॉरी सॉरी। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मिस मारिया की जगह हम आपके सामने एक ऐसी
कलाकार पेश करने जा रहे हैं। अरे भाई साहब, ये शो तो मेरी मारिया करने वाली थी, आप क्या कह रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओ भाई साहब, ये बात समझने की नहीं, देखने की है। आप बैठे 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 अभी बैठे। ओ भैया, ओ भाई साहब, बैठो सब। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज तक आपने सुना होगा कि देश और विदेश में अक्सर लड़के लड़कियों की आवाज में गाते हैं, और जिसकी मशहूर मिसाल है आपका माइकल जैक्सन। मगर जिस कलाकार को आज आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, वो लड़की होते हुए लड़के की आवाज में गाएगी, यानी कि मादा होते हुए नर का सुर लगाएगी, यानी कि 2 in 1। तो दिल थाम के बैठिए, अब आ रही हैं आपके सामने रसीली, नशीली, सुरीली, मदहोश करने वाली सुजैन। हेलो, मेरे पास हुस्न है, आपके पास नजर, मेरे पास प्यार है, आपके पास जिगर, सो लेट्स गो। बुरी बुरी आंखें मेरी लाल लाल गाल, मेरी लाल लाल गाल, प्यारे प्यारे चमकीले सुनहरे ये बाल, मेरे पतली कमर, मेरी छोटी है उम्र, मेरी डरे कहीं हो न जाए बुरी ये नजर तेरी। हाय ये जवानी, हाय ये जवानी, मस्तानी है दीवानी, नियत अभी मेरी जानी तूने नहीं जानी, ताला मैं लगा दूंगी दिल में उतर तेरे, फिर चाबी रख लूंगी जानी मन पास मेरे, मैं हूं 2 2 2 2 in 1। बस इसके नीचे मत जा, बस इसके नीचे जो है उसको रहने दे पर्दे के पीछे, वरना मारा जाएगा कुछ भी ना कह पाएगा, भेजा तेरा फिर जाएगा, फिर जाएगा। Sweetheart, sweetheart, sweetheart.
ठुकरा के गिर जाओगे, पिछले जन्म की बातें चिल्ला के दोहराओगे, आके आजमाओ ना मुझे पास आके देखो, चकरा के गिर जाओगे, पिछले जन्म की बातें चिल्ला के दोहराओगे, आके आजमाओ ना Darling, what a wonderful dance, wonderful song. ये पकड़ो, signing amount, पहला signing amount, पकड़ो, पकड़ो, पकड़ो. आज से तुम मेरी modeling agency की permanent model. अरे darling, what a dance. Hey, ये मेरा card, इसमें मेरा number है. Do phone me up. Sure. Sweetie. Okay. Bye. What a song, what a dance. Hello, Susie darling. Hello. 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 कल की शाम हमारे नाम. ये रहा मेरा कार्ड, हिंदुस्तान की मैडोना बना दूंगा. ओह रियली मैडोना, जस्टिफाई माय लव बेबी. तो कल की शाम हमारे नाम. श्योर. ओके. यस. गुड नाइट. बाय. सुजी, सुजी डार्लिंग, आप उनको तुमसे जरा बात करना, आप उनके जिंदगी का सवाल. तुम इतने कांप क्यों रहे हो? तुम पहला लड़की है जो आप उनके लाइफ में आया और आप उनको देखते ही लव हो गया. ये तुमको मॉडल बनाएगा, वो तुमको मैडोना बनाएगा. मैडोना. लेकिन अपन अपन तुमको अपना वाइफ बनाएगा. वाइफ तुम करेगा ना? नहीं 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 नहीं. अपन के साथ शादी करेगा ना? बोलो, नहीं तो अपन इधर ही सुसाइड करेगा. मैं नहीं नहीं सुसाइड नहीं. जो भी सुसाइड डोंट. ओके, आई विल थिंक अबाउट इट. ओके, आई गॉट टू गो नाउ. प्लीज, आई एम इन अ हरी. बाय, सी यू. ओके. मारी अब तक क्यों नहीं आई? आप उनके लाइफ में इतना बड़ा चेंज आया है, ये बात सुनाओ तो किसे सुनाओ? कहां गई होगी? हेलो, काला चौकी पुलिस स्टेशन. हेलो इंस्पेक्टर साहब, आप उन्हें बोल रहे हैं? आप उनका बहन अब तक घर नहीं पहुंची. आज उसका शो होने वाला था, वो उधर भी नहीं था. मैन, आपकी बहन का नाम? मारिया. मारिया? वो तो मेरे सामने बैठी है. उन्हें मेकअप में किसी गुंडे ने पकड़ लिया था. हमें लगता है ये साजिश सुजन डांसर की है. हम उसे अरेस्ट करने जा रहे हैं. अरे अरे साहब, ये क्या कह रहे हैं? वो अपन का होने वाला वाइफ है. वाइफ? एक मिनट, आपके भाई का फोन है. ब्रदर, यार जिस डांसर ने आज हमारा शो किया था वो हमारे होने वाला भाभी है. आर यू सीरियस? हाँ सिस्टर. आप सच बोल रहे हैं? हाँ सिस्टर, तुम जल्दी घर आओ, अपन तुमको सारी बात बताता है. ओके ब्रदर. इंस्पेक्टर, आप उस लड़की को प्लीज कुछ मत करना, क्योंकि हमारा भाई इसे शादी करने वाला है. लेकिन आप उस गुंडे को जरूर अरेस्ट करना, उसने मुझे बाथरूम में लॉकअप किया था. गुंडा सुजैन, मारिया कहाँ होगी? शो में भी नहीं आई, घर पे भी नहीं है. समझ में नहीं आता. तुम? हाँ मैं. बोलो, लाल बैग किधर है? लाल बैग? कैसा लाल बैग? मैं कोई लाल बैग नहीं जानता. वही लाल बैग जो तेरे दोस्त के पास था. मेरा दोस्त? मेरा कौन सा दोस्त? कौन सा? मेरा
देख ठीक से बता दे वो लाल बैग किधर है। देखिए भाई साहब मैं लाल बैग क्या बात करता है मुझे कुछ नहीं मालूम है तुझे। नहीं नहीं मेरे को कुछ लाल बैग देख आज तो मैं तुझे छोड़ रहा हूँ लेकिन अगर वो लाल बैग मुझे नहीं मिला तो मैं तुझे और तेरे दोस्त को जान से मार डालूंगा समझा। एक बोलता है तुमको मॉडल बनाएगा दूसरा बोलता है तुमको मदाना बनाएगा तीसरा तो बोलता है तुमसे शादी बनाएगा। बाप को मत समझाए सबके सब साले दो नंबर के फांदेबाज। ये खबर मैं जैक को सुनाऊंगा उसको तो भेजा घूम जाएगा। ये साला जैकेट वाला संजू और लाल बाग के बीच क्यों पड़ा हुआ है लगता है कुछ गड़बड़ है। देख आज तो मैं तुझे छोड़ रहा हूं लेकिन अगर वो लाल बैग मुझे नहीं मिला तो मैं तुझे और तेरे दोस्त को जान से मार डालूंगा समझा। सबसे बड़ा फांदेबाज तो तू है वो नहीं बोल ये तेरा बैग है ना। हाँ? इसमें तेरी माँ ने गुड़ा चने दिए थे ना तेरे लिए। हाँ, दिए थे ना यही ना वो गुड़ा चने यही है ना। ये लाखों करोड़ों के हीरे तेरे पास कहां से आया। कहां मारा तूने डाका कहां की चोरी बोल। मेरे दोस्त मैं अपनी मां की कसम खा बता जो अपनी गंदी जबान से मुझे दोस्त कहा तो देख तुझे अगर इसी बात पर दोस्ती तोड़नी है ना तो तोड़ दे मगर पहले मेरी बात सुन ले। जिस रोज से मैं बंबई आया हूं उसी दिन से ये हरामी उल्लू का पट्टा मेरे पीछे पड़ा है लाल शर्ट लाल बैग। जरा सोच तो सही वो मेरे ही पीछे क्यों पड़ा है बार बार मुझी से लाल बैग क्यों मांग रहा है क्या इतने बड़े शहर में एक लाल बैग वाला मैं ही हूं। लाल बैग कैसा लाल बैग मैं कोई लाल बैग नहीं जानता। वही लाल बैग जो तेरे दोस्त के पास था। अब सोच क्या रहा है, है? कुछ समझ में आया। ये हीरे बैग में कहां छुपे हुए थे। यहां तलाशी ली भी तो आज ही। वाह अरे ये कसेट कैसा। लगता है इन हीरों के पीछे कोई बहुत बड़ा राज है और ये कसेट ही उस पर रोशनी डाल सकता है। ये साल भर का कैलेंडर गौर से सुनो। 12 जनवरी को बॉम्ब ब्लास्ट 18 फरवरी को मंत्री की हत्या What? 20 मार्च को 4 बड़ी फैक्ट्रियों में हड़ताल 19 अप्रैल को नेशनल बैंक में डाका। यार संजू ये तो बड़ा डेंजर मामला लगता है यार इससे तो कंट्री की बैंड बच सकती है। जब तक हमें इसके बारे में और कुछ नहीं पता चल जाता इन चीजों को हमें कोई महफूज जगह में छुपा देना चाहिए। राइट मगर इतनी इंपॉर्टेंट चीज हम छुपा कहां सकते हैं। मैं जानता हूं आ जा। तू भी रात को खबरें खुदवाने के लिए ले आया यार ये ठीक है। हाँ ये ठीक है। सॉरी भाई आपको डिस्टर्ब तो होगा मगर देश का सवाल। माफ करना हमें प्लीज। इस खबर पे तो अभी नाम भी नहीं लिखा तो? बट कोई बात नहीं मैं जो जगह एक बार देख लेता हूं ना उसे जिंदगी भर नहीं भूलता। अच्छा। जा चल। देख ये कसेट और हीरे छुपाने की जगह तो हमको मिल गई मगर हमारे सर छुपाने की जगह कब मिलेगी यार। हाँ यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चल एक और ट्राई मारता हूं। हेलो
हेलो मंत्री जी, आने वाले कुछ दिनों में आपकी जान को खतरा हो सकता है, आप होशियार रहिएगा। व्हाट? मेरी जान को खतरा? आप कौन है? आपका शुभचिंतक, नेशनल बैंक। हाँ, मैं उसके चेयरमैन बोल रहा हूँ। आपके बैंक में कभी भी डाका पड़ सकता है। क्या? आप अलर्ट रहिए। आप कौन बोल रहे हैं? व्हाट? यस सर, कुछ आतंकवादी शहर में बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले हैं, कृपया सावधान रहिए। आप कौन बोल रहे हैं? एक हिंदुस्तानी। हाँ जैक, निक ने इतने सालों के बाद एक लड़की को पसंद किया है, कहता है शादी करेगा तो सिर्फ उससे करेगा, जब तक वो शादी नहीं करेगा तो तुम्हारा हमारा शादी पोस्टपोन। करेक्ट। अच्छा तो ये तो बताओ कि वो कौन है, हम आज का आज इसका और उसका शादी फिक्स कर डालेगा। बट प्लीज आप उनका शादी डिले मत करो मारिया। डार्लिंग बोलो ना, कौन है वो? अरे कोई न्यू डांसर है, न्यू सिंगर है, सूजी। सूजी? सूजी? कहता है शादी करेगा तो सिर्फ उससे करेगा। ये सूजी का नाम सुनकर बिजली का माफिक क्यों गिर गया? हमको लगता है कि ये भी सूजी पे मरता है। क्या बोला? ये सूजी पे मरता है? मरेगा, हमारा गोली से मरेगा। सूजी हमारा है, एक मोहल्ले में हमको दो कुत्ता नहीं मांगता। तुम कुत्ता है क्या? अरे संजू, 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 जैक, संजू, जैक, यो जैक, तू संजू है, मैं जैक हूँ, यो जैक, संजू, 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 जैक, संजू, जैक, संजू, यो जैक। दिमाग खराब है तेरा? ए, मैं एकदम करेक्ट बोलता है। क्या? तू मेरा वाइफ बन जा, मैं तेरा हस्बैंड। यू आर माय वाइफ, आई एम योर हब्बी। अबे हब्बी के छब्बी, एक बार जान पे पड़ा थी तो लड़की बन गए तो बन गए। अभी तू क्या समझता, मैं रोज रोज डेली चेन में तेरे साथ वाइफ बन के एक घर में एक कमरे में, तेरे को मालूम है मेरी इज्जत पे कितना खतरा हो सकता है? वो तो नहीं, नहीं, यही एक रास्ता है घर के ऊपर छत पाने का। अबे छत तेरी की, ऐसे तरीके से छत पाने से बेटर तो घटा देना चाहिए। गर्दन। तो और क्या समझा था, वन ट्रैक माइंड। ओए तू तो हीरोइन बन गया हीरोइन। तेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं मालूम, तू तो माल बन गया माल। आदड़ा गड़बड़ है तेरे में। ऐसे भी तेरी जान का दुश्मन बना पड़ा है रघु। रघु तो क्या हुआ, इसका मतलब मैं अपना मर्द बना छोड़ के औरत बने पे उतर रहा हूँ? बस बस, इंसान को ना जज्बात से नहीं अकल से काम करना मांगता है, हालात को समझना मांगता है। समझना मांगता है क्यों बे? हालात को समझू मैं और छत के नीचे आराम से बैठे तू? मैं क्यों बढ़ गया? रहने का तो बेड़ो तेरा भी मांगता है, तेरा भी एड्रेस केयर ऑफ फुटपाथ बन जाएगा नहीं तो। मेरे को बहुत जोर से आइडिया आया, हमारे पास यार करोड़ों के तो हीरे बेच देते हैं और बेच के एक फ्लैट ले लेते हैं, मलाबार हिल पेंट हाउस प्ले बॉय। पेंट हाउस प्ले बॉय? एक हीरा बेचेंगे ना, उसके पहले तू और मैं दोनों मौत की दुकान में बिक जाएंगे। तो मैं साले औरत बन के बिक जाऊंगा कुछ दिन के लिए। अरे गुंडों और पुलिस से बचने के लिए ये सबसे बेस्टेस्ट तरीका है। ओके बाय। अरे डायलॉग मार के तू किधर जा रहा है बे? पीके को फोन मिलाने कि मैं धूमधाम से आशिक की बारात लेके आ रहा हूँ। पीके, मेरी इज्जत पीके। Thank you.
कहां फंसा दिया है। देख लो मुझे। सुनो, आज की रात कयामत की है, आज है अपनी शादी, अपने हाथों जीन रहे हैं, अपनी ही आजादी है। आशिक की है बारात, जरा झूम के निकले, आशिक की है बारात, जरा झूम के निकले, गलियों से बाजारों से जरा घूम के निकले, गाओ रे साथियों, नाचो रे बारातियों, गाओ रे साथियों, नाचो रे बारातियों। आशिक की है बारात, जरा झूम के निकले, गलियों से बाजारों से जरा घूम के निकले, आशिक की है बारात, जरा झूम के निकले, गलियों से बाजारों से जरा घूम के निकले। होगी महबूबा साथ, ये दूरी सही नहीं जाती, आए दूरी सही नहीं जाती, गाओ रे साथियों, नाचो रे बारातियों, गाओ रे साथियों, नाचो रे बारातियों। आकाश के तारों को जरा चूम के निकले, गलियों से बाजारों से जरा घूम के निकले, आकाश के तारों को जरा घूम के निकले, गलियों से बाजारों से जरा घूम के निकले।
उसी शान उसी धूम से निकले। आशिकी है बारात जरा झूम के निकले। मेजर साहब ये क्या हो रहा है? Son, this is called गृह प्रवेश। अच्छा, और इसके बाद? इसके बाद खाना, delicious। वाह, वाह, चलें। आप बेटे आओ, इतना नहीं घर समझो। आपको बुढ़ापे में जवानी चढ़ रही है? अरे शादी इन लोगों की हुई है और रोमांस आपको सूझ रहा है? मैंने किया क्या? पैर हटाइए। कौन सा पैर? क्या हुआ? आउच, आउच, चटका। बहुत गर्म था? जी हाँ, गर्मी काफी है ना। अरे आज तो यहाँ का सारा माहौल गर्म लग रहा है। अरे भाई खाना है तो साथ में कुछ ड्रिंक्स वगैरह होने चाहिए। मेजर साहब आंखों से पीना सीखिए, आंखों से। मुझे इसमें एक शेर याद आया। शेर, शेर, इस औरत को शेर क्यों नहीं उठा ले जाता? दो बार सर्कस ले गया था इसे, फ्रंट रो में बिठाया, शेर ने देखा तक नहीं। आंटी आपको तो शेर बाजार में होना चाहिए। You are right. शेर बाजार में मुझे एक शेर याद आया। एक मिनट, मेजर साहब, प्लीज इफ यू डोंट माइंड, हम दोनों भी जरा जाके कुछ कुछ शेर कर लें। He's right, you know. अरे भाई इनकी आज सुहाग रात है, इन्होंने खाना खा लिया, जाने दो इनको, अभी इनको लेट देम गो एंड यू नो व्हाट आई मीन। वो दूसरा वाला शेर। Darling, you're beautiful, sexy, you're wonderful. मन करता है तुम्हें पकड़ के बाहों में जकड़ के। अबे, अबे क्या कर रहा है? दुनिया को भुला के। अरे मत भुला तू। तेरे दिल के अंदर घुस के। अबे दिल में कहाँ घुस रहा तू? तेरे प्यार को मेरे। अबे होश में। अबे ओ फ्रस्ट्रेटेड फालतू, तू क्या मुझे सचमुच की दुल्हन समझ के अपने दबे हुए जज्बात निकाल रहा था? सॉरी यार, मैं तो सचमुच तुझे दुल्हन समझ के सुहाग रात मनाने जा रहा था। ए, देख भैये, बहुत जल्दी तुझे ये नाटक खत्म करना पड़ेगा। नाटक कैसे खत्म करना, ये तेरा डिपार्टमेंट, मैं अपना काम कर चुका, अब और क्या करूं, तेरा बच्चा पैदा करूं? ए, हाँ बोल। नहीं यार, देख, जिन जिन प्रोड्यूसर्स ने तुझे साइन करने का वादा किया ना, उनसे माल खींच। माल खींच, माल, और क्या क्या खींचमदानी करनी पड़ती पता है? है? अपनी ये जवानी बेच दूं, नीरा हो जाऊं? नहीं, वो जो लंबे हाथ वाला जोकर है ना, उसके साथ तू मॉडलिंग कर और उस भूरे बंदर को चक्कर में डाल दे। और फिर? फिर माल बटोर माल। फिर हमें एक गाड़ी लेंगे। गाड़ी? एक बंगला लेंगे। बंगला? फॉरेन ट्रिप्स मारेंगे। फॉरेन ट्रिप्स? ऐश करेंगे, ऐश, ऐश। फिर मैं भी इस झंझट से आजाद। और तू भी आजाद? मैं आजाद हूं। एक टेंशन है यार, मेरे को डर है कि लड़की के कपड़े पहन पहन के और ये बारीक आवाज निकाल निकाल के कहीं मैं लड़के से लड़की न बन जाऊं। मगर कोई बात नहीं, माल बनाना है माल। हाँ, रही बात प्रोड्यूसरों की, उनको संभालना मैं अच्छी तरह जानता हूं। कैसे? वेरी सिंपल, मोना डार्लिंग। क्या? चिक चिक चक, चिक चिक चक, रात अंधेरी है, चिक चिक चक, चिक चिक चक, बुझ गए दिए, चिक चिक चक, चिक चिक चक, बेबी। हाय, अरे संजय, संजय उठ यार, कोई आ रहा है। आ रहे हैं।
आ रहा है तो आने जा रहा है जाने। मेरे को सोने दे यार। अबे यार अभी दरवाजा खुलेगा ना तो सारा का सारा राज खुल जाएगा। खुलने दे रात को तो रात कैसे रात है। अबे साले रवि तेरा ड्रेस तू औरत है तू मेरा वाइफ है यार। मैं तेरा वाइफ मेरा भी मेरा ड्रेस मेरे ये रेडी। अरे कहाँ फंस गए कहाँ फंस गए यार। गुड मॉर्निंग सुजी। तुमको सुजी दिखता है इतना बड़ा सुजा नहीं दिखता। हाय फूल फूल पप्पू गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हमारे वाइफ पे लाइन मारता है। पूजा मेम साहब बोला चाय दे दो। पूजा कहाँ है पूजा मेम साहब। बाथरूम में। बाथरूम बाथरूम मम्मी घर पे नहीं है बाहर गई है। पूजा कुछ मांग रही है। मम्मी घर पे नहीं है कुछ मांग रही है। मांग रही है मैं देख के आती हूँ। हस्बैंड आई एम गोइंग पूजा आई एम कमिंग। सुजी सुजी नो सुजी। ओह माय गॉड पानी में जले मेरा गोरा बदन पानी में जले मेरा गोरा बदन पानी गोरा बदन गोरा बदन। सुजी अब पानी में जले गोरा तो यू तुमने बुलाया था। हाँ, सुजी आ मेरी पीठ पे प्लीज साबुन तो लगा दो। पीठ पे साबुन पानी में जले मेरा गोरा बदन पानी ओह गॉड सुजी तुम मेरी पीठ मल रही हो या कपड़े धो रही हो तुम्हारे हाथ तो सख्त हैं। आप मतलब मगर दिल तो बहुत नरम है यू नो नरम। पानी में जले पानी में जले मेरा गोरा बदन। अब वो कहना काम भारी है जमीन चिकनी है फिसल जाते हैं सॉरी। अरे जल्दी लिखो सुजी क्या कर रही हो क्या कर रही हो मतलब व्हाट आई एम बिजी। जैक वो मेरी पीठ पे साबुन लगा रही है। यस बार बार लगातार आई एम किसिंग यू नो। पूजा ये तुम क्या कर रही हो। बिजी रिक्वेस्ट डोंट गो प्लीज। बाबा आज मेरे कॉलेज का पहला दिन है मुझे जाना होगा। कॉलेज पहला दिन देन तो डेफिनेटली डोंट गो। क्यों यू नो आशिक टाइप्स वहां आके नादान इनोसेंट लड़कियों को लाइन मारते हैं दैट्स वेरी डेंजरस यू नो यू विल गेट लाइन बार आउट। कॉलेज नहीं जाऊं पढ़ाई छोड़ दूं क्या। हां छोड़ दो सब छोड़ दो स्टिक विद मी वी हैव सो मच फन इन प्लेइंग यू नो। ए सुजी ये क्या हो रहा है। ऐसे जाने देना कॉलेज। तुमने तो बड़ी आसानी से कह दिया कॉलेज जाने दो ना। तुम चले जाओगे काम पे ये चले जाएगी कॉलेज मैं कहाँ जाऊंगी। मैं तो अकेले रह जाऊंगी ना सो डिप्रेस हम कोई तुम्हारे पीएम। अरे तो घर पे बैठ के स्वेटर बुनो ना। ये माँ बनने वाली है क्या। माँ बने तेरा बाप। वाह 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 एक हफ्ते में माँ एक हफ्ते में माँ दुनिया का शट अप एंड गेट लॉस्ट। तेरा भी हो जाएगा गेट अप भी होगा क्योंकि मैं हूँ धूल का फूल। तो धूल का फूल नहीं यू आर एन अप्रैल फूल। सुनिए आप काम पे नहीं जाएंगे आदि। अरे अगर मैं नहीं जाऊंगा तो घर कैसे चलेगा। मैं चलाऊंगा लूंगी 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 कुर्ता ये सास सो 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 अरे झगड़ा मत करो अपने पति को काम पे जाने दो अपने पति को काम पे जाने दो। नहीं मैं तो आई हूं नहीं अब मैं तो अब ये भी ऑफिस चले जाएंगे ये भी कॉलेज चले जाएंगे तो घर पे कौन रहेगा। मैं जो धूल का फूल तेरा क्या मैं अचार डालूंगी मोटे। अरे बाबा नाराज मत हो मैं कॉलेज से जल्दी आ जाऊंगी और फिर तुम्हारा दिल बहलाऊंगी। ओह यू आर सो स्वीट यू आर स्वीट हार्ट। ये क्या कर रही सुजी। अब मैं वही कर रही हूँ जो मेरा दिल कह रहा है। नाउ तुम चाहे आओ या ना आओ आई डोंट केयर मुझे कंपनी मिल गई है। सो स्वीट ए काबू रख अपने पर वरना इतने जूते पड़ेंगे मालूम नहीं पड़ेगा कि तू कौन है मैं कौन हूँ। ओके बाय सुजी भाभी सी यू बाय शाम को जल्दी आना हाँ। भाभी तू मैं ओ ओ अबे देख हाय हाय जुम्मा जुम्मा दे 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 जुम्मा जुम्मा दे दे जुम्मा अरे हाय पलट ए ए अरे हाय जुम्मा जुम्मा दे दे ये पीछा नहीं छोड़ेंगे। अबे ओ इतना मारूंगा पैंट पहनना भूल जाओगे समझे ना। आहा
जब झूले पर झूलती है तो क्या लगती है, बिना ताज के बिना राज के कोई महारानी, मेरी प्रेम कहानी। हाय पूजा। हाय पूजा डार्लिंग, हाउ आर यू? क्या बात है, आज बड़े रोमांटिक मूड में हो। चलो कुछ तो समझा, जब से तुम मिली हो ना, रोमांस का करंट रोम रोम में दौड़ने लगा है। ये अचानक क्या हो गया तुमको? मुझे जो हो गया है वो किसी को नहीं हो सकता, और जो मुझे हो गया है वो वही है जो तुम समझ रही हो। बस थोड़ी सी और समझदारी से काम लेकर मुझे समझने की कोशिश करो, तुम्हें भी हो जाएगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है बाबा, तुम कुछ मत करो, टेंशन मत लो, तुम सिर्फ राजकुमारी की तरह झूले पे झूलती रहो, और झूलते झूलते मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम्हें अपना दूल्हा किस टाइप का चाहिए, बाकी का कार्यक्रम मैं संभाल लूंगा। संभाल लूंगी, अब फिर देखना दूल्हे के मिलते ही तुम्हें भी वही हो जाएगा जो मुझे हो गया है। बताओ ना तुम्हें दूल्हा कैसा चाहिए, टेल मी नो प्लीज प्लीज। मुझे शर्म आती है। शर्म? बात है इतनी गर्म और तुम्हें आ रही है शर्म? कम ऑन, दो लड़कियों के बीच में कौन सी शर्म? यू कैन टेल मी नो प्लीज। तुम यहाँ से जाओ। भाई चली जाऊंगी, बट व्हाई कांट यू टेल मी, बोलो ना मुझे तुम्हारे दूल्हे का नक्शा कैसा होना चाहिए, टेल मी नो प्लीज, डोंट बी मी। अच्छा ठीक है, दूल्हा ऐसा होना चाहिए जो घोड़े पर बैठकर आए। आऊंगा। मुझे अपने हाथों में उठाए। उठाऊंगा। मुझे अपनी बाहों में झुलाए। झुलाऊंगा। मुझे चूमे। चूमूंगा। ग्रेसफुल हो। वो तो स्टाइलिश भी हो। वो भी हूँ। जिसमें मर्दानगी हो। मर्दानगी वो भी है। दिखाऊं क्या? हाँ? अब ये मर्द की आवाज में कौन बोला? मैं बोला, मर्द बोला। मेरा मतलब बोली, यू सी स्टेज पे आइटम करते करते ना आवाज में जरा चुलबुली हो जाती है, है ना, जिसकी वजह से गले की पाइपलाइन में मच जाती है खलबली, यू नो कभी गला गली हो जाता है, कभी मूंगफली हो जाता है, यू नो खारा सिंह, जिसकी वजह से कभी आवाज हो जाती है जैसे दारा सिंह, यू नो बॉस आप मुझे कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए, मैं उस लाल शर्ट वाले को जरूर ढूंढ निकालूंगा। जे जे ओके बॉस। हाय रघु, मीट माय फियांसे, यार अपन शादी कर रहा है। क्या तुम शादी कर रहा है? यस। तो जल्दी ही ये विधवा भी हो जाएगी। व्हाट? बॉस ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर वो कैसेट और हीरे ना मिले तो हम सब की कहानी खत्म। और सूजी डार्लिंग, अगर तुम हिंदुस्तानी मैडोना ना बनकर शादी करना चाहती हो और उसके बाद विधवा नहीं होना चाहती तो इसका मिलना बहुत जरूरी है। क्या हुआ? खांसी। तो कुछ लेती क्यों नहीं? वही तो करने आई हूं, वैसे तुम्हारे इस फोटो वाले की तलाश मुझे भी है, इसने मुझे भी बहुत बड़ा धोखा दिया है। अगर तुम अपने बॉस से मुझे मिला दो तो मैं तुम्हारा ये काम यूं कर दूंगी। कमाल करती हो, अपने बॉस को तो हमने भी अभी तक देखा नहीं है। अरे सूजी डार्लिंग, बड़ी अच्छा हुआ तू इधर मिल गई, मैं तेरे को किधर किधर ढूंढ रहा था। नहीं अरे देखो, मैंने तेरे लिए एक शानदार बड़ी कव्वाली का प्रोग्राम रखा है। नहीं हिंदुस्तान की इंडस्ट्री के बड़े बड़े फिल्म प्रोड्यूसर भी तेरे को उधर मिलेंगे। अरे तेल लगाने गई तेरी कवाली, यहाँ जान पे बनी हुई है, मालूम है बॉस ने क्या कहा है? अरे तेल लगाने गया तेरा बॉस यार। हाँ। जब देखो रोता रहता है, कैसे दो हीरा दो, कैसे दो हीरा दो। अरे मैं उसको ऐसा जीता जागता हीरा पेश करने वाला हूँ कि देखते साथ ही पिघल जाएगा। व्हाट यू से सूजी बेबी? हो जाए। सो रफ यू नो। अरे तो हो जाए कवाली का जंगी मुकाबला साईं। हाँ हो जाए ना मुकाबला। भाइयों और बहनों, आज मैं आपके सामने एक बड़ी ऐसा हसीन सितारा पेश करने जा रहा हूँ जो बहुत जल्द शोहरत के आसमान पर चमकने वाला है, जिसके हसीन चेहरे की चमक से बड़ी सारा आसमान चमक उठेगा। एक हसीन चेहरे के साथ साथ बड़ी ये एक सुरीली आवाज की भी मलिका है, और जब वो सुरीली आवाज इस जगह पर गूंजेगी बड़ी, तो ये समझ लो कि बड़ी सारा आलम गूंज उठेगा। आहा, और बड़ी जब ये नाचेंगी
तो सारा समा नाच उठेगा। तालियां। ये कौन है? ये बड़ी बड़ी फनकारा है, आर्टिस्ट है, जैक की बीवी है। What? आज क्या दिन
राणा साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? चले हुसन पर हुई बरसात को बचा रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ? तो ये पैसे बटोरिए और इनके मुंह पे मार दीजिए। राणा साहब, मेरी मंजिल कुछ और है, ये चंद कागज के टुकड़े नहीं। आप मुझे यहाँ इसलिए लेकर आए थे क्या? हाँ, शर्म आनी चाहिए आपको। अरे अरे बीबी, बी पेशेंट। तुम तो बहुत जल्दी नाराज हो जाती हो यार। मैं तो इन पैसों में वही कुछ अपने पैसे मिलाकर तेरे सर पर से वार कर इनके मुंह पर वापस मारने वाला था। नहीं तो मार दीजिए। ले मार दिया। आप तो खामखा नाराज हो गई। हमारे नोट फेंकने का मतलब गलत नहीं था, हम तो मैडम की हौसला अफजाई कर रहे थे। अरे मैडम के बच्चे बेबी का मूड खराब कर दिया। नहीं, अरे ये मैडम नहीं, हिंदुस्तान की बड़ी होने वाली मधुबाला है। मधुबाला मर गई, मीना कुमारी वो भी मर गई। अरे बाबा, माधुरी दीक्षित श्री देवी यार। माधुरी दीक्षित श्री देवी, देख लिया यार। तो फिर साइनिंग अमाउंट निकालो और अपना फ्यूचर बनाओ। अरे हम तो तैयार है साईं। अरे पहले मेरा नंबर है यार। अरे लविन शिमला बना रहे इनके साथ। लाइन में पहले मैं हूँ, लविन शिमला बनाऊंगा इनके साथ। आप फिक्र मत कीजिए राणा साहब, कितना माल चाहिए दे दूंगा। तीन महीने में पिक्चर बना दो। ये क्या किया जी तुमने? देखिए, आपको बिजनेस करना बिल्कुल नहीं आता। व्हाट जी? कोई भी अच्छा काम 9 महीने से पहले नहीं होता। 9 महीने? समझे? नहीं समझे। तो आइए समझाता हूँ, समझाती हूँ, आइए चलिए। माल इधर दो और जाकर समझ लो। मैं ऐसा समझाऊंगा, फिल्म बनाना भूल जाएगा जी छोरे। आइए प्रोड्यूसर साहब, कहानी नहीं सुनाएंगे? अरे कहानी तो क्या, कहानी भी सुनाऊंगा और आपका एंगल भी लगाऊंगा। एंगल तो हम जमाएंगे आपका, आइए। चलिए लव इन शिमला की कहानी सुनाते हैं आपको मैडम। मारिया, उस जैक के बच्चे ने तुमको धोखा दिया है ना? हम उस साले को जिंदा नहीं छोड़ेगा। I'll shoot that bastard. No brother, होश में आओ। होश? आज हमको कुछ होश नहीं। उसने तुमको धोखा दिया है, तुमको लव में धोखा दिया है। हम उसको जान से मार डालेगा। उसने तुमको लव में धोखा दे दिया है? No brother, खत्म करना है तो उस सूजी को खत्म करो जिसने हमारा होने वाला हस्बैंड को छीना है। औरत पे हाथ उठाना अपना उसूल नहीं। हम उस मर्द को खलास करेगा। अच्छा, उस मर्द को खलास कर डालेगा, उस चुड़ैल को खलास नहीं करेगा? क्योंकि तुम मुझसे प्यार करता है। यस, हम सूजी से प्यार करता है। तुम सेल्फिश हो, तुम मेरे भाई नहीं हो। तो तुम ही मेरा बहन नहीं है, तुम ही सेल्फिश है। तुम उस जैक को बचाकर मेरा सूजी को मरवाना चाहता है, मगर हम ऐसा नहीं करेगा। हम इस छह गोली उस जैक के सीने में डालेगा। ये छह I will kill you, Suzy. हम तुम डिंग टिंग 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 एक कमरे में बंद हो। ट्यून गाना टिंग 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 और कोई आ जाए। टिंग 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 और कोई आ जाए। हाँ मैं, हम मार डालेगा इसको, गोली चला देगा इसके ऊपर। चुड़ैल चुड़ैल प्लीज, क्यों आप मुझे? हम इसको शूट कर देगा। शूट कमीनी कुत्ती बिच। बिच बिच नहीं हूँ मैं, तो बिच में फंस गया हूँ। फंस गई हूँ, फंस जाओ। यस हाँ, यू शट अप। तुमने इससे शादी किया? नहीं नहीं मारिया, आपने इससे शादी नहीं किया। आपने इसका हस्बैंड नहीं है। यू शट अप, यू शट अप। अगर तुम इसका हस्बैंड नहीं है तो तुम दोनों इस कमरे में क्या करता है? ये सब लफा कमरे के लिए। मैं सूजी नहीं सुना हूँ, जनाना नहीं मर्दाना हूँ, स्त्रीलिंग नहीं पुलिंग हूँ, नारी नहीं नारा हूँ। लेट मी प्रूव माय सेल्फ प्लीज, भावो लोग 100% देखो देखो ये हलवा। अरे पहले दरवाजा तो बंद करो, अगर ये टॉप सीक्रेट कहीं बाहर चली गई तो हम दोनों बाहर हो जाएंगे। हाँ तू बंद कर। सॉरी, बाद में, पहले दरवाजा बंद करो। मगर जैक, ये सब ड्रामा काय को किया? अरे बोला ना, कमरे के वास्ते। हाँ तुमने तो इसे शादी की नहीं, इसलिए बीवी बनने की छिछोरी जिम्मेदारी मेरे गले पड़ गई। ओ जैक, आई एम सॉरी। और तुम एक दूसरे के गले हाँ, स्वीट हाँ, रोमांटिक है। तो मैं प्रोड्यूसर, छिछोरे प्रोड्यूसर, रोज एक एक छिछोरे से मुझे डील करना पड़ता है, कितनों से डील करूं? सूजी, यू गॉट टू बी चूजी।
लगे रहे, लगे रहे। अयो अयो स्वामी, अयो स्वामी, स्वामी। हलवड़ी प्रोड्यूसर साहब, कैसे लगा हमारा बेबी सूजी? बेबी? हाँ बेबी। बाबा। बाबा? अयो बाबा। अरे करिया क्या बोलता है? बाबा। बाबा? बाबा? क्या मतलब क्या है? होगा साला पैसा तो आ गया नहीं। अरे बड़ी सूजी बेबी, एक बात तो बड़ी बताओ साईं, ये प्रोड्यूसर आता है तुमको मिलता है, उसके बाद वापस नहीं आता, ये बात क्या है? लाखों रुपया साइनिंग अमाउंट जमा हो गया है, कोई पिक्चर चालू करता ही नहीं है, ये राज का बात क्या है? देखो राणा, राज तो बब्बर भी है, कुमार भी है, यू नो व्हाट आई मीन, बट अब तुम तो अपने ही आदमी हो, तो तुम्हें नहीं बताऊंगी तो किसे बताऊंगी, है ना? आई थिंक वक्त आ गया है कि मैं भी ये राज खोल दूं। खोलो, अरे खोलो साई, खोलो जल्दी, खोलो नायक हूँ मैं, खोल साई, नायक खोल, नायक खोल, अंदर रखो, अरे अंदर, अरे बात समझ में आई? अरे बड़ी सब कुछ देख रहा, समझने की क्या बात है साईं, वो झूले लाल रो पापड़, झूले लाल जो कमाल साईं, शर्म नहीं आती शादीशुदा लड़की का पीछा करते हुए? तू लड़की है? तू लड़की जात के नाम पे कलंक है? एक तरफ अपुन को शादी का सपना दिखा, अपुन का सिस्टर का लाइफ बर्बाद किया, उधर किसी और के साथ चक्कर चला। मेरा दिल है मैं किसी से भी चक्कर चलाऊं, तू होता कौन है मुझे रोकने वाला है? मैं तेरे बाप की प्रॉपर्टी हूँ, व्हाट डू यू एक्ट फॉर मैन? यू छोड़ेंगे। थैंक यू। हाय सूजी। हाय रघु, तुम भी आ गए। देखो सूजी, तुम एक हस्बैंड रखो या 100, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फूल फूल होता है, खुशबू खुशबू होती है, शराब शराब होती है और शबाब शबाब होता है। छिछोरा छिछोरा होता क्या है? क्या कहा? नहीं, you know, I mean, बाका छोरा छोरा। ओह माय गॉड, तुम तो नजरों से ही पिला दोगे। सूजी डार्लिंग, तुम आज की ये रंगीन रात मेरे नाम क्यों नहीं कर देती हो? हाउ कॉर्नी, तेरे मेरे बीच में वो क्या है ना, ये जूबी के पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट होती है, तुम मुझे किस करोगे तो दे अरेस्ट यू इन डोंट। अरे सूजी डार्लिंग, मैं कोई गली का कुत्ता थोड़ी ना हूं जो इतना उतावला हो जाऊंगा। मैं तुम्हें यहां से सीधे अपने घर लेके जाऊंगा, खास खास लोग और खास खास जगह,
मतलब वो हीरो और कसेट के राज मालूम करने का बेहतरीन मौका। अब तो गई तेरी भैंस पानी में। सूजी डार्लिंग, क्या सोच रही हो? नथिंग, मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी। कहीं अपने हस्बैंड के बारे में तो नहीं सोच रही हो? ओ डोंट बी सिली रघु, हस्बैंड तो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है, तुम जैसा हसीन कटीला जवान तो रोज हनीमून मनाने के लिए है। रियली? रियली, कम ऑन, लेट्स गो बेबी। चीयर्स। चीयर्स, सॉरी पूरी बॉटल खत्म हो गई और अब चीयर्स। अरे डार्लिंग, तुम्हें पाने की खुशी में आज की रात और बाद में चीयर्स। ओ यू आर सो स्वीट, ओके चीयर्स। एक बात बताओ, वो तुम्हारा बॉस कहीं वो तो नहीं जिससे मैं मिली थी? कौन? वही जो यू 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 करके समथिंग आंख करता रहता है, डर्टी ओल्ड मैन। वो? अरे वो मेरा बॉस नहीं है, हमारे धंधे में हम ही बॉस और हम ही कारिंदे। तो फिर असली हैंडल कौन चलाता है? अरे सूजी डार्लिंग, ये हैंडल हैंडल छोड़ो, लेट मी हैंडल यू। यस, such a naughty man, every time you want to handle me, baat pe baat banate jaate ho, asli baat pe to aate hi nahi. Asli baat hum andar karenge Suzy darling. Oh, tumhari haseen zulfe, nashili aankhe, chamkile gaal, phool se hoth, ye suraidar gardan, nazuk badan aur ye chand sa mukhda. चांदवान की बातें छोड़ो डार्लिंग, मुझसे रोमांस करने के बाद तुम आसमान में जितने तारे हैं ना, फटाफट दुनिया को गिनकर बता दोगे। Really? You'll be the first man, you know. तो इंतजार किस बात का है? Yes, let's go. Let's do it, honey. ये नहीं हो सकता, ये तो कोई बुरा सपना रहा होगा, मेरी सूजी ऐसी नहीं हो सकती। अब ना तो वो किसी से अब ना तो किसी से कुछ कहेगा, ना तो वो रोएगा, सिर्फ धोएगा मुंह। यंदा डार पिछे तेरे का मुद्र का पहिंदी कर दे चिरंजीवी नारगी मौसंबी जय रजनीकांत। या शरम बनता है सो रहा है आराम से है? बैठ। अरे उठ, क्या हुआ? अरे क्या क्या हुआ? काय को फोकट में हमारा नींद आराम करता है यार। नींद आराम करता है? मेरी जिंदगी आराम हुई पड़ी है, तेरे को नींद की पड़ी है दर्द। पर हुआ क्या यार? हुआ क्या है? शहर के टॉप क्लास से लेके बॉटम क्लास छिछोरे तक मेरे पीछे पड़े हैं, हैं? कोई हवलदार वहाँ से सीटी मारता है, वो साला हरामी मुझे आंख मारता है, कोई हाथ मार रहा है, वो पैर मार रहा है, सब तरफ से कोई ना कुछ कुछ क्या क्या मार रहे हैं। मैं तो चारों तरफ से मरा मरी हुए मरा क्या मरा हाँ मरा मरा मैं फाटा फोड़ दूंगा, बस हो गया। फाटा फोड़ देगा ना तो इतना जूता पड़ेगा कि थोपड़ा जूता माफिक बन जाएगा। ए जूते माफिक बने या सैंडल माफिक, मेरे को कुछ नहीं पड़ी है, समझे ना? अबे फाटा फोड़ दूंगा, मेरे को मर किसान जीरेगा यार। अरे यार काय को फोकट में नींद आराम करता है यार, लफड़ा करता है। कोई टेंशन का बात नहीं है, आप उनको सवेरे तक टाइम दे, सोचने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा। अभी रास्ता निकाल लेगा? रास्ता नहीं निकालना, तेरे को रास्ते लगा दूंगा, समझा ना? अभी मैं थोड़े जा रहा हूँ, जा रही हूँ, जा रहा हूँ। गुड नाइट। राणा, ये क्या हालत बना रखी इसने अपनी? आए, अरे यार वो सूजी ने मेरे को बहुत पीट डाला यार। सूजी ने? हाँ यार। तुझे भी? अब वो लड़की नहीं है, वो क्या लड़का है? क्या? अरे वो सच बोलता है दादा, इस बात का बड़ी एहसास हमको भी हुआ है नी। अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है? अरे ऐसा है भाई, मैं भी इसको यही बताने को आया था कि वो औरत नहीं मर्द है, मर्द करिया मर्द है, इसीलिए वो मुझसे कराटे कर रही थी, आई मीन था। अरे मारा तो मारा साई, वो हमारे बारे में बहुत कुछ जान चुकी है, जान चुका है भाई। तुम सही कहते हो राणा,
हमें उसकी असलियत का पता लगाना ही होगा। तो वही लाल शर्ट वाला है, साला आज तक हम सबको उल्लू बनाता रहा। अबे ये वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो, ये तो वही लाल बैग वाला है। ये तो वही है, अब बड़ी हमको पता लगाना होगा कि ये कहां है। पूजा हेल्प मी। क्या हुआ? तुम्हारे भाभी ने लफड़ा कर दिया है। क्या क्या उसने? वो मां बनने वाला है हा? और वो मॉडलिंग करना चाहता है, चाहती है, चाहती है। एंड व्हाट चाबी आर यू घुमाइंग? सूजी कांग्रेचुलेशंस। ओह यस सर। अब उन कहता है गोवा जाने को। अब हम ये घर छोड़ के नहीं जाएगा, इसको छोड़ के नहीं जाएगा। अरे हमारे फैमिली का रिवाज है कि जो पहला बच्चा होता है तो लड़की अपने माँ के घर जाता है। जाता होगा, हम इसको छोड़ के नहीं जाएगा। आंटी अभी कुछ समझाओ ना। आंटी क्या समझाएगा? मेरे लिए तो जैसी पूजा है बिल्कुल वैसी तुम हो बेटी। वो तो होना ही चाहिए ना मम्मी। हाँ इसीलिए तो कह रही हूँ कि अपने पति का कहना मान ले और डिलीवरी के लिए अपनी माँ के यहाँ गोवा चली जाए। यस दीदी, मुझे लगता है तुम्हें गोवा जाना चाहिए। वहाँ तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तुम्हारी देखभाल करेंगे। ऐसे वक्त में तुम्हें आराम की जरूरत है, ये मॉडलिंग की नहीं। क्यों? राइट, मेजर साहब ठीक कह रहे हैं बेटी, तुम चली जाओ गोवा, वहाँ तुम्हारे मम्मी पापा बहन भाई सब कितने खुश हो जाएंगे। भाई? हाँ मेरा भाई बहुत खुश होगा। आपने मुझे अपने भाई की याद दिला के मेरे दिल में, मेरे हार्ट में इमोशन के बल्ब जला दिए हैं। अब मुझे रोशनी नजर आ गई है, मैं गोवा जरूर जाऊंगी आंटी। I miss my brother. सुजी मेरा दूल्हा ऐसा होना चाहिए जो घोड़े पर बैठकर आए। मुझे अपने हाथों में उठाए, मुझे चूमे, तुम वही हो, बिल्कुल वही हो, मेरे ख्वाबों की शहजादे। I love you, I love you। Turu, 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 turu। अबे तू, अभी से आ गया? आ गया? ताले इतनी भी क्या जल्दी थी यार, अभी तो डिलीवरी के दिन भी पूरे नहीं हुए, तो अभी से आ गया? डिलीवरी तो मेरी यहाँ है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ये कौन है? ये मैं इनका साला यानी कि सुजान का भाई। नाइस मीटिंग यू, नाइस मीटिंग यू। बिल्कुल तुम्हारी बहन की तरह है। हाँ बचपन। वो क्या है सर, सुजी जो है उसने बोला उसका हस्बैंड अकेला होगा, जाके जरा कंपनी दो, देखभाल करो, अब उसका बात नहीं टाल सकता। आ गया। गुड आइडिया, गुड आइडिया। हाउ शी बाय द वे? बस एनी डे। वो अरे खड़ी खड़ी है क्या कर रहे हैं? मैं तेरा साला, तू मेरा जीजा है, कॉन्फिडेंस यार। सुजी सुजी का टेंशन नहीं है सर, क्या है ना वो घर में मम्मी है, सिस्टर है, सुजी का देखभाल बहुत अच्छी तरह हो रहा है। शी इज फाइन। एक्सीलेंट, वेल मेक योरसेल्फ एट होम। ओके सर, थैंक यू। इस बात पे एक शेर पेश किया जाए। बाय 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 बाय। सुजान का भाई सुजान। वाव, अरे तुम तो सूजी के जैसा लगता है। हाँ बहुत जोर से लगता है। क्या है ना, सूजी और हम बिल्कुल प्योर ब्रदर और प्योर सिस्टर है, कोई मिलावट नहीं है। इसके वास्ते हमें एक दूसरे के जैसा नहीं लगेगा तो क्या पड़ोसी जैसा लगेगा? मान गया साला, अपुन तेरे को मान गया। साला हो तो तेरा माफक और जीजा हो तो इसका माफक।
हाय। हाय। क्या सोच रही थी? तुम्हारे ही बारे में सोच रही थी। मेरे बारे में? हाँ। क्या? तुम बिल्कुल मेरे सपनों के राजकुमार जैसे हो। तुम भी मेरी सपनों की राजकुमारी से कोई कम थोड़ी है। संजय, आप उनके आइडिया पे सुने क्या फैंटास्टिक आइडिया हमारा यार। भैया, जब प्यार हो जाता है ना तो दिल के साथ दिमाग भी रॉकेट की तरह चलता है। रॉकेट। एक खुशखबरी है यार। क्या? अपुन शादी करने वाला है। किससे? मारिया के साथ। अपुन का चक्कर चल गया। मारिया और अपुन, समझ गया? रास्ते का कांटा हट गया। अब लाइन एकदम क्लियर है बॉस। यू चीपो, तुम शादी कर रहे हो? यस। शादीशुदा होकर शादी? अपनी वाइफ घर में किधर है? अभी तो हम एकदम बैचलर है 100%। तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं। तुम्हारी पत्नी बच्चे की डिलीवरी के लिए गोवा गई है और तुम? देखो पूजा, ये दिल का मामला है। हमारा दिल मारिया के ऊपर गया है। मारिया डार्लिंग बेबी जैक। मारिया। हाय। ओ मारिया डार्लिंग, तुम्हारा बहुत लंबा लाइफ है, बस नाम लिया और तुम आ गया। मारिया, तुम एक शादीशुदा मर्द से कैसे शादी कर सकती हो? लव एंड वॉर में सब पॉसिबल है। ये गलत है। गलत? दिल ये कभी नहीं सोचता कि गलत क्या है और सही क्या है। दिल दिल है। यही तो मुश्किल है। मैं तुम दोनों की शादी नहीं होने दूंगी। जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। राइट, कम ऑन डार्लिंग। पूजा बेबी। सैन, तुम्हें पता है जैक क्या कर रहा है? जो उसका दिल बोलेगा वो करेगा, जो हमारा दिल बोलेगा हम करेगा। जैक दूसरी शादी कर रहा है। तो करने दो ना उसको। वो सूजी की सौतन ला रहा है। तो लाने दो। तुम भाई हो या कसाई, तुम्हें अपनी बहन की जरा भी फिक्र नहीं है? फिक्र? देखो एक काम करते हैं, तुम मेरी फिक्र करो, मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ। दुनिया गई भाड़ में, केला खाओगी? कितने मतलब ही हो तुम। मैंने तुम्हें क्या समझा और तुम क्या निकले? लिसन पूजा, मैं तुमसे एक बात। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। जिसे अपनी बहन की परवाह नहीं वो मेरी क्या परवाह करेगा? और मैं अभी जाके मम्मी डैडी को सब बताती हूँ। मम्मी तुम्हें घर से निकाल देंगे। और मम्मी को सूजी को भी लेटर लिखती हूँ। अरे पूजा लिसन। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। पूजा, मैं सूजी हूँ भाई। हा? सूजी, हाय। सूजी जल्दी आओ, जल्दी आओ, इधर आओ, कम कम। अच्छा वो सूजी तुम आ गई, मैं तुम्ही को खत लिख रही थी। रियली? तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। सूजी तुम्हें मालूम है जैक क्या कर रहा है? क्या कर रहा है वो? जो भी कर रहा हो, अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी की क्या परवाह। सूजी मगर तुम्हारा घर टूट रहा है। चाहे दुनिया टूटी बेबी, अगर तुम मेरी दुनिया में हो ना तो मुझे और क्या चाहिए? What else do I want? सूजी try to understand. जैक किसी और लड़की से शादी कर रहा है। तो करने दो ना, है? अगर तुम मुझसे शादी करने के तैयार हो ना तो जैक चाहे जिल बन जाए, I don't care. What nonsense? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है ना? प्यार में दिमाग ठिकाने पे रहता कहाँ है? वो तो छुट्टी पे चला जाता है, हॉलीडे वेकेशन, यू नो। प्यार में सिर्फ दिल काम करता है, एहसास काम करते हैं, जज्बात काम करते हैं। सुजी मुझे लगता है तुम गोवा से बिल्कुल पागल होकर आई हो। हाँ मैं बिल्कुल पागल होकर आई हूँ, तुमसे दूर रहकर मैं और भी पागल हो जाऊंगी। यार को मैं सुजी। यस। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, तुम्हारा बच्चा किधर है? मेरा बच्चा? बच्चा? और बच्चा? ओह बच्चा, बच्चा तो पैदा भी हो गया, बड़ा भी हो गया, स्कूल भी जा रहा है पढ़ने के लिए, साइंटिस्ट बनेगा, रॉकेट चलाएगा, हवा में उड़ेगा। क्या? पैदा हुआ और स्कूल भी चला गया? यस हनी, दुनिया कंप्यूटराइज हो गई है। सालों का काम महीनों में, महीनों का घंटों में, घंटों का मिनटों में हो जाता है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा।
स्वीट हार्ट, डोंट स्ट्रेन योर लिटिल ब्रेन। जैक जो है अगर किसी और से शादी करना चाहता है तो कर ले दो, टू हेल विद हिम। मुझे भी तो कोई और जीवन साथी मिल गया है, मैं दूसरे से शादी करूंगा अब की। कैसी पत्नी हो तुम? वही जैसा पति वैसी पत्नी। हमारा 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था। कॉन्ट्रैक्ट? हाँ, शादी का। अब वो खत्म हो गया है, अब मैं नया कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगी तुम्हारे साथ। शी, तुम लोग कितने घिरे हुए हो। मैं अभी जाके मम्मी डैडी को तुम लोग की असलियत बताती हूँ, हम लोग घर से निकलवाती हूँ। पूजा पूजा, लिसन लिसन सूजी, लीव मी। सुनो, लीव मी। हो तुम क्या कर रही हो? व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? मैं क्या कर रही हूँ? कर रहा हूँ, कुछ जाने दो सूजी। कंबल के अंदर क्या है? कंबल के अंदर, कंबल के अंदर ये हलवा मैं नहीं छोड़ूंगा। दंतरा तुम जान सूजी, जान भी नहीं, सूजी भी नहीं, संजय। असलियत संजय है, सूजी तो कोई है ही नहीं। सूजी का तो हलवा बनाया गया था किराए का मकान हासिल करने के लिए। मुझे लड़के से लड़की बनना पड़ा, पत्नी बनना पड़ा, क्या क्या बनना पड़ा जस्ट फॉर यू, तुम्हारे लिए। यू चीट? चीट? मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। ऐसा स्वीट चेहरा, मैं तुम्हें कभी माफ भी नहीं करूंगी। आई हेट यू। पूजा, पूजा, डोंट हेट मी, लव मी पूजा। Bye.
अरे रे हमको हंसी आई तू काहे को बोराही रे, हमको हंसी आई तू काहे को बोराही रे, अंदर की बातें क्यों बाहर लेके आई रे, अंदर की बातें क्यों बाहर लेके आई रे। हेलो, अबे चुप, मेरा मतलब है बॉस यूं समझ लीजिए कि वो कैसेट भी मिल गई और वो हीरे भी, मगर आप ये बताइए कि आप दर्शन कब दे रहे हैं। अब यूं आवाज से काम नहीं चलेगा, आपको हमारे सामने आना ही पड़ेगा। हेलो एक्सचेंज, देखिए मैंने अपना फोन टैग करवाया था, मैं जानना चाहता हूं कि अभी भी जो कॉल मेरे आया कहां से आया था। जी कहां? क्या ये तुम क्या बोलते हो मारिया? हाँ जैक, हमारे भाई को तुम लोग के बारे में सब कुछ जान गए, तुम्हारा और तुम्हारे फ्रेंड की जान खतरे में है। What? हाँ, हमने अपना भाई का बात दूसरे फोन पे सुना, कोई आदमी बोलता था कि 24 घंटे के अंदर तुम्हारा संजय का जान खलास कर डालेगा। अच्छा क्या तुमको मालूम है तुम्हारा भाई किन लोगों से बात करता था? उनका बॉस कौन है? मुझको कुछ नहीं मालूम, बॉस सिर्फ फोन पे ऑर्डर देता है, ज्यादा बात करने का टाइम नहीं है। तुम अपना जान बचाओ जैक। ठीक है, तुम फौरन मुझे कोर्ट में मिलो, हम तुमसे अभी शादी बनाएगा। ओके ऑलराइट। मारिया, अब हमारा जान एकदम सेफ है। वो कैसे? अरे तुमसे शादी बना के अब हम तुम्हारे भाई का भैनोई बन गया, ब्रदर इन लॉ, और तुम्हारा भाई अब उनका साला, अब वो हमें कभी नहीं मारेगा, क्योंकि अगर हमको मारेगा तो तुम विधवा बन जाओगी। हमारा ब्रदर तो एकदम पागल हो गया है। अरे जब हम दोनों को हस्बैंड एंड वाइफ बना हुआ देखेगा ना तो उसका सारा पागलपन दूर हो जाएगा। आई लव यू मारिया। अरे भाई ये क्या हो रहा है, है? ये आजकल का माहौल? हाँ? अरे तुमने दूसरी शादी कर ली? वेरी बैड, अब तुम हमारे घर में नहीं रह सकते। अरे नहीं मेजर साहब प्लीज ऐसे मत बोलिए, मेरी कहानी तो सुन लीजिए, असल बात तो ये है कि अरे बड़ी साई अभी बहुत हो गया, हमको ज्यादा अंधेरी में नहीं रहने का, समझा? बाहर आना, ठीक बोल रहा है, करोड़ों का हीरा का किधर चला, बॉस कौन है वो भी नहीं मालूम। अरे भाई तुम लोग, अरे चढ़िया, वो रोज तेरे से टेलीफोन पे बात करता है कि नहीं? अपन लोग और अपन का जान जोखिम में नहीं डालेगा। अरे यार तुम लोग मेरी बात तो सुनो। अभी कुछ नहीं सुनेगा, बोल हो गया। लेकिन यार, अरे लेकिन को मार गोली यार, बोल बॉस कौन है, नहीं तो हम क्या करेगा मालूम है तेरे को? सीधा पुलिस स्टेशन में जाकर सब कुछ बता देगा। अरे यार तुम लोग बात तो सुनो, तुम लोग खुद तो मरोगे मुझे भी मरवाओगे, ये करोड़ों का मामला है, लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? मुझे मालूम हो गया है कि असली बॉस कौन है। गॉड, ओ माय गॉड। अरे भाई ये तो बड़ी गंभीर, लंबी और डेंजरस कहानी। पीके साहब अब आप ही इस डेंजर से हमें बचाइए। तुम चिंता मत करो, इस चक्रव्यूह से मैं तुम्हें बचाऊंगा। फौजी आदमी हूं, बहुत से युद्ध लड़ चुका हूं, इस युद्ध में मैं तुम्हें जिताऊंगा, बेफिक्र रहो। ये कैसेट और हीरे तुमने छुपाए कहां है? वो एक चर्च के पीछे कब्रिस्तान में। आई सी। देखो तुम रघु राणा और निक को बता दो कि तुमने ये कैसेट और हीरे कब्रिस्तान में छुपाए और उन्हें वहां बुलवा लो। लेकिन मेजर साहब वो तो बहुत खतरनाक लोग हैं, हमें मारकर कैसेट भी ले जाएंगे और हमारी जान भी जाएगी। हाँ। जैसे मैंने कहा वैसे करो, इस खेल का दी एंड लगाना है। यस मेजर, इस खेल का दी एंड तो अब लगाना ही होगा। मैं उन लोगों को कब्रिस्तान बुला लेता हूं। सबको फोन घुमाया,
कोई आया नहीं? आ जाएंगे, कब्र कौन सी है मुझे पता है, चल चल। रुक जाओ साईं। अरे बड़ी संजय उर्फ सूजी, बड़ी बहुत धूल झोंक ली आंखों में, अब बड़ी धूल भी खत्म और खेल भी खत्म। खेल शुरू तुमने जरूर किया है, मगर उसे खत्म हम करेंगे। अबे ओए लाल शर्ट वाले, हम तेरे जिस्म के लाल खून में आज तुझे यहीं जिंदा दफन करके जाएंगे। ए, तू पहले किसी चर्च के कब्रिस्तान में मुर्दों को गाड़ने का काम करता था क्या? आज तक तो नहीं किया, लेकिन आज अपन तुम दोनों को इधर ही गाड़ेगा मैन। अरे बहुत हो गया साईं, वो हीरा और कैसेट मेरे हवाले कर दे चल। हीरे और कैसेट? हीरे और कैसेट तो मैं आपके हवाले नहीं करूंगा, मगर आप लोगों को पुलिस के हवाले जरूर कर दूंगा। क्या ख्याल है? चढ़िया हो गया क्या? चढ़िया इधर पुलिस तो क्या, बड़ी पुलिस का कुत्ता भी नहीं आ सकता है। ला हीरा दे। मौत के घेरे में घिर चुका है तू, अब मरना ही तेरा नसीब है। नसीब लिखना ऊपर वाले का काम, और जीने की कोशिश करना बंदे का काम। सुजी डार्लिंग, वो हीरा और कैसेट अपुन को दे दे, वरना अपुन का निशाना बहुत पक्का है मैन। पुलिस? हाँ, तुम्हारी खातिरदारी के लिए आई है। अपुन को जमीन के अंदर डालने वाला आप तुम सब जेल के अंदर होगा। ये वही कुंडा लोग हैं जो संजू और अपन के लाइफ के पीछे पड़े ले, उस लाल रंग के बैग के पीछे पड़े ले। ये देखो, वो हीरे और वो कैसेट। पीके साहब, आप नहीं जानता ये साला कितना खतरनाक गुंडा लोग हैं, इन्हें गिरफ्तार कर लो पीके साहब। डोंट वरी माय चाइल्ड, डोंट वरी एट ऑल। अरे अपन लोग मौत की सूली पर लटका है और तुम हंसता है? चौंको मत, चौंको मत। जितना हंस रहा हूं तुम्हारी मौत पर, उतना रोऊंगा भी। आई प्रॉमिस। अरे ये पीके साहब, तुमको क्या हो गया? ये तुम क्या बोल रहे हो पीके साहब? संजू, ये पीके क्या बोल रहा है यार? अरे ये वही बोल रहा है जो इसे बोलना था, मगर अब बारी हमारी है। हाँ तो मिस्टर पीके साहब, शक तो मुझे तुम पर उसी दिन हो गया था जब आधी रात को मैंने तुम्हें हमारे कमरे में आते हुए देखा था। कॉन्फिडेंस से ये सोचने लगे कि हम गफलत की नींद सो रहे हैं, मगर ये तुम्हारी गलतफहमी थी। मैं तुम्हारी हर हरकत को देख रहा था। तुमने कमरे का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर जिस चीज को ढूंढने के लिए तुम आए थे वो तुम्हें नहीं मिली, और उस दिन के बाद से मैं तुम्हारा साय की तरह पीछा करने लगा। तुम किससे मिलते जुलते हो
किससे टेलीफोन पे बातचीत करते हो और तुम्हारे खतरनाक इरादे क्या हैं? मुझे सब खबर है। हेलो बॉस साहब, मुझे कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए, मैं उस लाल शर्ट वाले को जरूर ढूंढ निकालूंगा। तुम कहां हो इस वक्त? मैं रही हूं। आई वॉन्ट यू टू कम हियर एज सून एज पॉसिबल। देखो मैंने तुमसे कहा था कि टेप वक्त से पहुंचाना चाहिए, पहुंचाया क्यों नहीं तुमने? बदतमीज आदमी, कहां है वो मेरा टेप, कहां है? देखो जब मैं कहता हूं ये काम करना चाहिए तो उन्हें करना चाहिए, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, समझे कि नहीं? आई डोंट वांट एनीबॉडी, आई डोंट वांट यू टू आर्गू विद मी। तुम कहां हो इस वक्त? मैं रही हूं। मिस्टर पीके, अब समझे मैंने अपने लाल बैग की कहानी उस दिन तुम्हें क्यों सुनाई? क्योंकि तुम्हें रंगे हाथों गिरफ्तार करना था, इसीलिए मैं जानबूझकर तुम्हारे ही घर पर पेइंग गेस्ट बना। एस्टेट एजेंट हीरालाल, क्या दे? वो एस्टेट एजेंट नहीं, एक सीबीआई ऑफिसर है। अरे मैं तो वो बकरा हूं जो खुद चलकर कसाई के छुरे के नीचे आया, मगर आज बकरा नहीं कसाई कटेगा, यानी के तुम। मेरी छुरी के नीचे आएगा तो कटेगा तो तू ही बेटे। अरे खड़े खड़े क्या देख रहे हो, मारो सारे को। और कैसेट मेरे हवाले कर दे वरना मैं तेरी गर्दन तोड़ दूंगा। नहीं ए राणा, तेरा खोपड़ी खिसक गया क्या? ये अपन का बहन है मैन, अगर तूने इसको कुछ किया ना अपन तेरे को वोट डालेगा मैन। हमारा है, एक नंबर का गुंडा है, निक की बहन से शादी करने के लिए इनने इसने सबको मार डाला, यही नहीं इसने अपनी बीवी सुजन को भी जान से मार डाला, और मिस्टर एक्स के लिए जो टेप और हीरे भेजे गए थे वो इसके पास है, इसी के पास है, इसी के पास। अरेस्ट हिम, एक नंबर का गुंडा है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट हिम, ये झूठ कह रहा है, मैं कोई मिस्टर एक्स के लिए काम नहीं करता, असल में ये जो भी कह रहा है यही मिस्टर एक्स है। पागल है, पागल है, अरेस्ट साहब, इसी का चक्कर है, अरेस्ट का पागल आदमी है, इसे गिरफ्तार कर लीजिए, अरेस्ट यूज कर सकता है, पागल है, अरेस्ट हिम। तुम्हें जो कुछ कहना है अदालत में कहना, चलो। मिस्टर जैक डिकोस्टा,
तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? कुछ? मुझको तो बहुत कुछ कहना है जज साहब। अदालत को इस मुकदमे की जड़ तक पहुंचाना है, हकीकत की जमीन से सच्चाई को उखाड़ कर लाना है, अपने आप को फांसी के फंदे से बचाना है जज साहब। अपन कुछ नहीं बोलेगा तो अपने लाइफ का बोतल को पूछ लग जाएगा। इस मुर्दा केस में जान लाने के वास्ते मैं सबसे पहले पेश करना चाहता हूं एक जिंदा लाश। जिंदा लाश? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ही तो समझाना चाहता हूं जज साहब, फिर आप जो भी सजा देंगे कबूल है। इजाजत है। योर ऑनर, ये सारा चक्कर एक चालाक और खतरनाक मुजरिम का चलाया हुआ है, जिसे सुलझाने के लिए मुझे कानून का इतना वक्त लेना पड़ा। मैं शुक्रगुजार हूं कि कानून ने मुझे इतना वक्त दिया जितना मैंने कानून का वक्त लिया, मगर इस लेने देने के चक्कर में मुजरिम को लेने के देने पड़ गए। ऑर्डर, ऑर्डर, तुम्हें जो कुछ कहना है साफ साफ कहो। योर ऑनर, मेरी सफाई के लिए शायद ये काफी होगा। सीबीआई ऑफिसर, यस योर ऑनर, सीबीआई ऑफिसर संजय वर्मा उर्फ बेरोजगार संजय उर्फ जैन उर्फ सुजैन। अपने फर्ज के लिए मुझे सीबीआई ऑफिसर होने का राज अपने भाई समान दोस्त जैक से भी आखिरी वक्त तक छुपा के रखना पड़ा, और मर्द से औरत बनकर खतरनाक मुजरिमों के साथ बड़े बड़े खेल खेलने पड़े। योर ऑनर, अब मैं अदालत के सामने असली मुजरिम पेश करने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। मुलजिम हाजिर हो। क्या असली मुजरिम यही है? यस योर ऑनर, मैं सारे सबूत के साथ आया हूं। अपने आप को मेजर कहने वाले मिस्टर प्रेम कुमार उर्फ पीके, मेजर जरूर थे मगर अपनी नाजायज हरकतों की वजह से फौज से बर्खास्त कर दिए गए थे, यहां तक कि इन्होंने अपनी बीवी और बेटी को भी धोखे में रखा। ये एक शरीफ आदमी की जिंदगी बसर करने का दिखावा करते रहे, मगर जो एक बार जुर्म के चुंगल में फंस जाता है उसका निकलना नामुमकिन होता है। योर ऑनर, इनके गुनाहों का सबूत ये कागजात और ये कसेट है योर ऑनर, जिसमें इनके जुर्म और देश को बर्बाद करने की साजिश मौजूद है। योर ऑनर, इस शख्स को ऐसी सजा दी जाए कि फिर कोई देश के खिलाफ ऐसे संगीन जुर्म करने की जुर्रत न करे। दैट्स ऑल योर ऑनर। अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। दीदी, पीके साहब आपसे आखिरी बार मिलना चाहते हैं। वो मुझसे आखिरी बार मिलना चाहते हैं? तुम जाके उनसे कह दो कि उस गद्दार से मिलना तो दूर की बात, मैं उनसे उनकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करूंगी। अगर उन्हें कल फांसी लगने वाली है तो बेशक आज लग जाए, मैं अपने आप पर काबू पा लूंगी। मैंने तो ये ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जिसकी मैं पूजा करती हूँ, जो मेरा भगवान है, वो एक देशद्रोही निकलेगा, मुल्क का गद्दार। तुम जाके उनसे कह दो कि जिस इंसान के लिए अदालत के दरवाजे खुल गए हैं, मेरे घर के दरवाजे हमेशा के लिए उस पर बंद हो गए हैं। ये अदालत मेजर प्रेम कुमार उर्फ पीके को संगीन जुर्म करने के अपराध में उम्र कैद की सजा तजवीज करती है, और जैक डिकोस्टा को बाइज्जत बरी करती है, और साथ ही साथ सीबीआई ऑफिसर
संजय वर्मा जैसे देश के जाबाज वफादार सिपाही को सलाम करती है। लेकिन जैक अचानक कहाँ गायब हो गया? तुमको कुछ बोल के नहीं गया? मुझसे तो कुछ नहीं कहा। जा कहाँ सकता है? तुम बोल के तो जाना। नाम हो गया, मैं तो गुलफाम हो गया, आशिक बदनाम हो गया, तेरे लिए हाँ, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। जब सनम तूने मुझको पुकारा, हम तो सनम।